आइए आइए, कहिए क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? मैं कुछ खाने पीने नहीं आया, यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? आप पुलिस वाले हो? हाँ, मैं ट्रांसफर पर आया हूँ यहाँ के स्टेशन में। वो बिल्डिंग दिख रही है ना, वही पुलिस स्टेशन है। हाँ। इस पुलिस स्टेशन के उद्घाटन के लिए बड़े बड़े लोग आए थे, बहुत बड़ा समारोह हुआ था। वो वहाँ अपार्टमेंट के पास वाली बिल्डिंग है ना, वो पुराना पुलिस स्टेशन है और ये नया वाला भाड़े की जगह है, और यहाँ के सारे पुलिस वाले मेरे ही यहाँ आके चाय पीते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका परिवार कहाँ है? मेरे माँ बाप गाँव में है। अच्छा, परम बावली में। हाँ। नहीं, मेरा मतलब था आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? मैंने अभी तक शादी नहीं की। अरे आप भी बैचलर ही हैं क्या? जो शादी नहीं करते हैं, जिनके बीवी बच्चे नहीं होते हैं ना, उन्हें मेरे होटल में 3 बार आके खाना पड़ता है। ठीक है ना सर? ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। अच्छा पुलिस वाला लग रहा है। ऐसा ही साहब हैं क्या? नहीं अभी नहीं आए, क्या काम है? मैं एंथनी हूँ, यहाँ ट्रांसफर पर आया। ओ, इससे पहले कहाँ थे? एर्नाकुलम में। हाँ, ऐसा ही आएंगे तो मैं बता दूंगा, आप अंदर बैठिए। हेलो, राजा कदाई पुलिस स्टेशन? ऐसा ही नहीं है सर, बाहर किसी मीटिंग में गए हैं। सर आ जाने के बाद बताता हूँ। यहाँ कहाँ रहेंगे आप? ये जॉर्ज कुट्टी है ना? हाँ वही वही है। दिखने में तो सीधे साधे लगते हैं, पर इनके खिलाफ केस का क्या हुआ? सीधा साधा, सच कितने लोग जानते हैं, पता चला तो उसे मार देंगे। जॉर्ज भाई मैं क्या बोलता हूँ, ये तो एक चीज है ना। नहीं, डायरेक्शन देखो जरा, कार चलाने वाले के शॉट्स कम रह गए होंगे, इसलिए कम जगह पे रीशूट किया होगा। एक सीरियस बात बोलूं, आप कोई अच्छी सी फिल्म क्यों नहीं बना देते? तुम जिस काम से गए थे वो क्या? हाँ, कुछ लोगों ने पैसे दिए, वो पुलिस वाला है ना सहदेव, उसने नहीं दिए। अच्छा। बड़ा अजीब आदमी है, जब भी उसके पास जाओ पैसा देने से पहले 100 सवाल पूछता है, दिमाग खा जाता है मेरा। और वो है ना मंगल और थॉमस, उन दोनों के टीवी कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, हमें वहाँ जाकर चेक करना ही पड़ेगा। देखो उसके टीवी में ही प्रॉब्लम है, उसे वो टीवी ठीक करवाना पड़ेगा, ये तुम्हें नहीं समझाया? हाँ मैंने उसे समझाया। हाँ। आपके पिताजी को बुलाने को बोला और तुम चुप रह गए, जवाब नहीं दिए। अरे मैंने भी सुनाया उसे। हाँ खिलाड़ी हो ना, क्या जवाब दिए? सेठ के बाप से बोलकर कोई फायदा नहीं, जब सेठ को नहीं पता तो बाप को कैसे पता होगा? क्या? हाँ सही तो कहा मैंने, जब सेठ नहीं जानता तो उसका बाप कैसे जानेगा। ये भी क्या अजीब लगता है। रघु, अरे रघु कहाँ चला गया ये? आ रहा हूँ। कितना हुआ? हाँ 15 रुपए। अच्छा ये लो। क्या है मालिक? अरे तू कहाँ चला गया था, देखने रहा दुकान में कितनी भीड़ है, इन लोगों को चाय कौन देगा, जा जल्दी चाय। भाई साहब जरा एक बात बताइए। ठीक है देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर पहले पुलिस वाले आए थे। हाँ आए थे और आकर चले भी गए, क्यों कोई शेर आने वाला है क्या? सदैव आने वाला है। वही शेर, इसलिए ये इंतजार कर रहे हैं। ये लोग कौन है, किस काम से आए? अरे ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, ये मेरे जान पहचान वाले है, इनका एक इकलौता बेटा है, इन लोगों ने लोन फाइनेंस कंपनी से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे और फिर इन्होंने वो पैसा भर भी दिया था। उन लोगों ने धोखा दिया, अभी 2 दिन पहले सहदेव आके मेरे बेटे को उठा के लेके चला गया, बोल रहा है कि पूरा पैसा भरोगे तभी तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा। कौन था? फाइनेंस वाला, सहदेव उनसे मिला हुआ है। आपको जाकर उस एसआई से बात करनी चाहिए ना। उसने धमकी दी है कि बड़े ऑफिसर से बात करूंगा तो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
अब कहने से क्या फायदा है, उस फाइनेंसर का अच्छा बैकग्राउंड है, हम गरीब लोग आखिर करें भी तो क्या करें। लेकिन कोर्ट में तो जा सकते हैं। ओ, केस करने से कोई फायदा नहीं, फाइनेंस वाला इसके बेटे को नहीं लेकर गया है, एक पुलिस वाला उठाकर लेकर गया है, इसमें कुछ तो चाल जरूर है, और कोर्ट को तो सबूत चाहिए ना। अगर हमने एबीएस को बता दिया तो हम हासिल कर सकते हैं, ऐसी मेरी सोच है। पर कैसे? पिताजी सब जानते हैं कि इस केस का क्या होगा, बशीर कहाँ है ये कोई नहीं जानता, उसे जेल से भगाने में सर का हाथ है, इस बात का मुझे पक्का यकीन है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक रास्ता तो है, थोड़ू पुजा में एक एडवोकेट सुकुमार रहते हैं। हाँ। उनका एक जूनियर है मैथ्यू, आप उनसे जाकर मिलिए। हाँ। मेरी पहचान वाला है वो, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो जाकर उसे बताइए, मैं भी उनसे बात करता हूँ। जॉर्ज भाई केस करने से क्या फायदा? ये कोई साधारण केस नहीं है भाई साहब, हेबियस कॉर्पस है ये। मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो उसके माता पिता उसको वापस लाने के लिए जो केस करते हैं उसी तरह का केस है ये। हाँ? मतलब इसके बेटे को कहीं छुपाया गया है और इस अन्याय के खिलाफ अगर इन्हें आवाज उठानी है तो इन्हें हेबियस कॉर्पस के थ्रू ही जाना होगा। जब ये केस दायर हो जाएगा तो पुलिस को किसी भी हालत में उस लड़के को कोर्ट के सामने लाकर हाजिर करना होगा, ऐसे समय पर वहां पर किसी की नहीं चलेगी और पुलिस को किसी भी हालत में उन्हें जवाब देना ही होगा। ये तो हम नहीं जानते। मेरा तो बस यही सोचना है कि केस करके कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग इस केस को सीधे एडवोकेट सुकुमार को सौंप दीजिए और जब वो हेबियस कॉर्पस के जरिए कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करवाएगा तो उसे छूटना ही छूटना है। तो देखो अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सुनिए सहदेव सर आ रहे हैं। है? है? तुम लोग अगर यहाँ रहोगे तो वो मुझे भी तंग करेगा और तुमसे भी पैसा वसूल करेगा, जाओ अंदर जाकर छुप जाओ जल्दी। हाँ। जल्दी जाओ। चलो सुनो, यहाँ सफेद धोती वाला कोई आया था? नहीं तो नहीं, कहाँ गया होगा वो। ए रघु, आज के स्पेशल क्या है? आज कुछ भी स्पेशल नहीं है, जो रहता है वही है। ओ ठीक है, मसाला डोसा लेकर आना, हमेशा यहाँ इडली डोसा ही मिलता है। अरे कभी कुछ स्पेशल भी बनाया करो ना। अब क्या बताऊँ साहब, स्पेशल आइटम बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। हाँ वो तो चाहिए, इसीलिए तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, अगर 10,000 मिले तो शायद हम कुछ कर सकते हैं, वरना तो मजबूर है। अजीब आदमी है ये। बताओ वो पैसे मैं नहीं दे सकता क्या? क्या बताऊं साहब, मैं जैसे तैसे सामान यहाँ से वहां उठा के होटल चला रहा हूँ। सर आप तो पुलिस वाले हो, मेरा भी उधार चुका दो ना, एक साथ नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके ही दे दो, सोचिए ना, हम जैसे तैसे करके जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ पुलिस वाले ही उधार करते हैं? जॉर्ज भी तो उधार करता है, उसका उधार उधार नहीं है। मैं भी उधार लेता हूँ लेकिन बहुत जल्दी उसे चुका भी देता हूँ। ठीक है बताओ कितना बाकी है मेरा, मैं तुम्हें जल्दी ही दे दूंगा। अरे नहीं साहब, थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो भी चलेगा। अरे आप डर क्यों रहे हैं भला, वो जितना दे रहा है उतने पैसे तो ले लो, वरना बाद में वो भी नहीं मिलेगा। हेलो हेलो हेलो, हमारे बीच में टांग मत अड़ाओ, हम दोनों का हिसाब है हम कर लेंगे। बड़ा है बीच में बोलने वाला। चलो बताओ कितना बाकी है? कुल मिला के 14,500 हो गए हैं साहब। अरे रे रे, काफी हो गया, मैं तुम्हें एक साथ ही देता हूँ, चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा करो तुम इसे मेरे कमीशन से काट लो। अब तो मेरी उधारी खत्म। कैसा कमीशन साहब? कैसा कमीशन? अरे मेरे भाई हमारा पुलिस स्टेशन पुराना हो चुका है, नया स्टेशन बनाने का ऑर्डर भी सरकार से मिल चुका है, अभी वहां पर नया पुलिस स्टेशन बनाएंगे जिसमें काफी मजदूर काम करेंगे, जिनसे मैं ये कहूंगा कि वो सारे लोग खाना तुम्हारे यहाँ खाएं, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी और उसमें होगा मेरा कमीशन। और हाँ ये एक दो महीने का काम नहीं है, पूरे 14 महीने काम चलेगा। और सच कहूँ तो उस हिसाब से मेरा कमीशन बहुत कम है, तो फिर हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा तो एडजस्ट करना ही होगा। तो ये है हमारी पुलिस। क्या हुआ तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक पुलिस वाले होकर एक गरीब के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, ये आपको सही लग रहा है? यहाँ दूर दूर तक इस इलाके में कोई और होटल नहीं है, वहाँ पर जो भी काम करने आएगा वो यहीं पर आकर अपना खाना खाएगा, इसे आप अपना बिजनेस बना रहे हैं, ये बात गलत है। देखो यहाँ कोई खाना खाने नहीं आएगा, अगर हम पुलिस वाले अपनी भाषा में समझाएं तो। लगता है सहदेव के बारे में नहीं पता इन्हें। अरे भाई साहब एक कड़क चाय दो। ए, जल्दी से कड़क चाय लेके आ। हाँ जॉर्ज कुटी, कोई खास बात? कुछ खास नहीं सर, हम तो बस ऐसे जिंदगी बिता रहे हैं। सर सुना है यहाँ नया पुलिस स्टेशन बनने वाला है? हाँ भाई साहब की कमाई होगी। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले ही कमीशन ले लिया। कमीशन किसने ले लिया?
ठीक है, साधारण पुलिस और जनमैत्री पुलिस में क्या अंतर है? तुम नहीं जानते हो क्या? आज तो पेपर में भी आया है। बड़ा बड़ा फेंकने वाले के पास पेपर पढ़ने का टाइम कहाँ? अरे मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ साहब, पेपर पढ़ने में इसलिए रुचि नहीं रखता है क्योंकि उसमें सिर्फ बकवास लिखा होता है। बिल्कुल सही कहा, कोई भी पेपर पढ़ लो उसमें डकैती हत्या के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जनमैत्री पुलिस नाम की नई पुलिस टीम बनाई गई है जिसमें क्राइम रोकने में पब्लिक पुलिस की मदद करेगी। अगर सच कहूं तो पुलिस को लोगों के मदद की बहुत जरूरत है। ये अपनी आंख रहा है। ऐसा हमारे देश में नहीं चल सकता साहब, हमें तो पुलिस क्रिमिनल ही समझती आई है हमेशा से। अरे कुछ पुलिस वाले ऐसा समझते हैं। हाँ ये तो ठीक कहा, तो ऐसा सोचे तब तो, यहाँ तो कुछ पुलिस वाले ही क्रिमिनल्स हैं। मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ साहब, मेरी नजर में तो पुलिस वालों को लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ। पुलिस स्टेशन जाने पर हम जैसे लोगों की वहाँ पर इज्जत होनी चाहिए, लेकिन हाँ। यहाँ पर हो क्या रहा है, बिना कोई गलती किए पुलिस वाले लोगों को डराकर पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। हाँ जॉर्ज तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जनमैत्री पुलिस टीम बनाई गई है। देखो तुम बताओ, जल्दी बताओ, चुप क्यों हो गई तुम, बताओ ना। मैं कह रहा हूं जॉर्ज भाई, जॉर्ज भाई क्या हुआ? उधर एक केबल का प्रॉब्लम आया है, वो ही बता रहा था। अरे जॉर्ज भाई क्या है यार, प्रॉब्लम है। हाँ बताओ ना कि क्या हुआ है तुम्हें। तुम ये मोबाइल नंबर को अच्छी तरह से देख लो और क्या लिखा हुआ है उसे भी अच्छी तरह से पढ़ लो। 10 सेकंड में इसे अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। ठीक है। फोन बजी गया। क्या तुम मुझे बता रहे हो, खुद जाकर फोन नहीं उठा सकते? उठा जाकर। काश कंप्लेंट के लिए किसी लड़की ने फोन किया हो। मेरी बीवी फोन कर रही होगी, वो भी एक कंप्लेंट बॉक्स ही है। जवाब मत दो, जाकर फोन उठाओ। बोल देना मैं यहाँ पर नहीं हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ कहेगी वो। हेलो रानी केबल्स, ऐसा क्या? किसका फोन था? आदर्श नगर वाले थॉमस का, उसकी छत का एम्पलीफायर खराब हो गया है, जाना पड़ेगा। अभी उसी दिन तो मैंने तुम्हें बदलने के लिए कहा था। मैं भूल गया था। हाँ ये कहो ना भूल गए थे, तब तो वो तंग करेगा। छे, छे। नहीं उठाऊंगा। उठाना, कह देना कि मैं नहीं हूँ। उठाओ फोन और बात करो उससे, पूछो काम क्या है। हेलो रानी केबल्स, अच्छा जॉर्ज भाई से? हाँ हाँ, जॉर्ज भाई तो अभी है नहीं, जो कहना है मुझसे कहो। हाँ कहो ना। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। इस बार ना कंप्लेंट नहीं थी, पार्टी हाँ, थी। कौन था वो? अपने पड़ोस में शंकर सेठ है ना। हाँ तो उसने आज रात कुछ इंतजाम किया भाई। हाँ लेकिन वो तो अपंग है ना। अरे लेफ्ट हैंड वीक है ना। हाँ। राइट हैंड तो उसका स्ट्रॉन्ग है। चल भाग। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? माँ तो किचन में है। ठीक है तुम सो जाओ। कल मेरा टेस्ट है ना। ठीक है पढ़ो पढ़ो। ऐसे दरवाजा खोल कर रखोगी तो चोर घुस जाएगा कि नहीं? चोर तो रात में क्या दिन में भी घुस सकते हैं ना। आजकल के चोरों का बहुत दिमाग हो गया है, तुम लोग वो सोच भी नहीं सकते हैं वो ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तुमने मेरे लिए गर्म पानी क्यों नहीं रखा है? वहां जाके देखिए। चलो मैं तुम्हारी आंखों से देखता हूं। हटिए। अनु कहां है? वो तो आईने के सामने खड़ी होगी ना। लाइट क्यों ऑन रखा? रहने दीजिए ना।
अनु बेटी आ रही हूँ माँ। हमारी मिस इंडिया अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? खाने में बस यही है क्या? क्यों तुम्हें पसंद नहीं है? खुद तो बनाती नहीं और मैं बनाती हूँ तो मजाक उड़ाती हो। कल रात को ऑफिस के बाहर बारिश हुई थी क्या? नहीं, यहाँ पर हुई थी। अरे मैंने कितनी बार फोन किया था, उठाई नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ। बारिश हो जाए तो फोन काम नहीं करते ना। पापा एक मोबाइल क्यों नहीं खरीद लेते? हर जगह उसका रेंज नहीं मिलता है। रेंज मिलेगी तब मोबाइल खरीदेंगे। जरूर खरीदेंगे। मोबाइल महंगा होता है इसलिए नहीं खरीदता हूँ। सेकंड हैंड खरीद लीजिए। तुमने सही कहा। एक बात बतानी थी आपसे। रात में बता देना। देखा ना, हमारी बातें सुनने के लिए आपके पास कभी भी वक्त ही नहीं होता है। वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे पूरा दिन फिल्में देखते रहते हैं। यहाँ हम तीनों बिल्कुल अकेली रहती हैं। रात को आपको कहाँ होना चाहिए? घर पर आना चाहिए, लेकिन इस बारे में नहीं सोचेंगे बिल्कुल। बस बस, ऐसा क्या कह दिया मैंने? बहुत काम है, वाकई बहुत काम है। नाराज मत हो यार। बताओ क्या बात है? देखिए हमें कहीं घूमने बाहर जाना है। अच्छा बाहर जाना है, वो भी सिर्फ घूमने? और शॉपिंग भी करनी है। शॉपिंग भी करनी है? क्या शॉपिंग करनी है? मेरे और बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। 6 महीने पहले तो कपड़े खरीदे थे, वो सब क्या हुए? कपड़े पुराने हो गए हैं और फट भी गए हैं। इतनी जल्दी फट गए? मैंने कहा ना, हमें शॉपिंग करनी है, नए कपड़े खरीदने हैं। अब बच्चे जवान हो रहे हैं, सस्ते कपड़े खरीदेंगे तो जरा सोचिए सबके सामने कितना बुरा लगेगा। आप तो कभी कुछ सोचते ही नहीं है, सारी तकलीफें मुझे ही उठानी पड़ती हैं। लेकिन मैंने मना किया क्या? पापा आपने कहा था, मुझे भी अच्छी तरह से याद है। अच्छा ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बगल में अच्छी सी शॉप है वहीं से खरीदारी कर लो। नहीं, हम सिर्फ शॉपिंग ही नहीं करेंगे, हम वहाँ बिरयानी भी खाएंगे और एक अच्छे से थिएटर में सिनेमा भी देखेंगे। मम्मी आइसक्रीम? हाँ आइसक्रीम भी, वहाँ और भी बहुत कुछ होता है। चौबीस घंटे सिर्फ ऑफिस ही करते रहते हैं, कभी हमारे बारे में भी तो सोच लिया करिए। हमें भी कहीं बाहर जाने का मन होता है, हमारे भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं कि नहीं? देखो ऑफिस में मैं इसलिए पड़ा रहता हूँ क्योंकि वही मेरा काम है, तुम मुझे मत सिखाओ समझी। और तुम इस घर में यहाँ इसलिए पड़ी रहती हो क्योंकि यही तुम्हारा काम है। शादी के बाद जब लड़की के बच्चे होते हैं और वो माँ बनती है तो उसकी जिंदगी घर के अंदर ही होती है और यही उसकी जिम्मेदारी है। इसे तकलीफ समझने की कोई बात नहीं है। हाँ, इसे समझने के लिए दिमाग होना जरूरी है। अगर तुम्हें ये समझना है तो संयुक्ता हो जाओ। कौन संयुक्ता? संयुक्ता, संयुक्ता वर्मा, बिजू मेनन की पत्नी। समाज ने उससे इतना नफरत किया लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज उसने शादी कर ली और अब वो माँ भी बन गई है। सलाम करता है समाज उसे। कुछ भी कहो तो किसी भी फिल्म का सीन याद करके उस बारे में सुनाते रहते हैं। अब यही जवाब है इसका। सही तो कह रही हूँ, जब देखो फिल्मों की बातें नहीं करते। तो दो, मैंने जवाब दे दिया, अब तुम भी जवाब दो। ठीक है, संयुक्ता वर्मा का पति स्मार्ट है और करोड़ों रुपए कमाता है और उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। उसके घर में कार है, ड्राइवर है, काफी सुविधाएं मौजूद है। इतना ही नहीं, वो हमेशा घूमने के लिए विदेश भी जाते रहते हैं। बीजू भले ही यहाँ रहता हो लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को अमेरिका तक भेज देता है। होता है, प्यार होता है, ऐसा भी होता है। सुन लो, अब ये विदेश यात्रा के बारे में सोच रही है। मम्मी ने सही कहा, विदेश तो जाना चाहिए। तुम भी माँ का हिसाब देती रहती हो, नालायक कहीं की। वो कैसे गए पता है ना? विमान में। वो अमेरिका प्लेन से नहीं तो क्या ऑटो रिक्शा से जाएंगे? पापा हम सब लोग अमेरिका कब जाएंगे? देखो हम लोगों को यहीं पर रहना है, ठीक है? शनिवार को शॉपिंग पक्की और भी सारी बातें। थोड़ी पूजा जाएंगे, थोड़ी पूजा। हाँ। जिंदगी भर शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। यहाँ क्यों गड्ढा खोद रहे हैं? यहाँ पर कंपोस्ट तैयार करूंगा। लेकिन आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? एक नौकर को बुलाकर करवा लेते तो क्या जाता? आदमी को बुलाने पर उसे पैसे भी देने पड़ते हैं। अगर ज्यादा पैसे कमाते होते ना तो इस तरह की तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। तुम्हारे जैसी औरत ना बस पैसों के बारे में ही सोचती है। दुनिया के हिसाब से अगर नहीं चलेंगी तो कैसे चलेगा? देखो मिट्टी की महिमा तुम नहीं जानती हो। मैं भी जानती हूँ, मैं भी फिल्म देखती हूँ। बचपन से ही मेहनत करने की आदत है और इसी मेहनत के बल पर ही बचपन से कमा कमा कर मैंने ये सब सारी जायदाद खरीदी है। आज 10 सेंटीमीटर खरीदना भी आसान काम नहीं है। इतनी बड़ी जमीन तो भूल ही जाओ। आज की सबसे बड़ी समस्या है इंसान को मिलने वाली सुविधाएं। लोगों में इसीलिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एक पेपर तो ठीक से पढ़ नहीं पाते हो, फिर ऐसी बातें कैसे होती है? सिर्फ पेपर या पढ़ाई कर लेने से इंसान को ज्ञान नहीं हो जाता, दिमाग से सोचना भी जरूरी है। हमारे आसपास में जितनी भी। हेलो, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर स्वर्ग है, ये फिल्म मैंने भी देखी है।
नौकरों को बुलाने के लिए मना कर रहे हैं और खुद इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, इसीलिए ऐसा कह रही थी। देखो मेरी मेहनत और पसीने की कमाई ही दिख रही है ये सब, ये 5 एकड़ जमीन, ये सारे पेड़, ये मकान। मेहरबानी करके अब ये बातें मुझे मत सुनाइएगा, मैं और बच्चे ये बातें सुनकर तंग आ चुके हैं। देखिए मुझे तो लगता है आपको अपनी तारीफ सुनने में बड़ा मजा आता है। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, एक अनाथ के भीतर का स्वाभिमान है ये, आत्मविश्वास है, मेहनत से सब कुछ पाया है। 5वीं फेल इस आदमी को 10वीं फेल करने वाली तुम जैसी औरत मिली। 5वीं फेल ये आदमी मेहनत से जो पैसे कमाता है उसे तुम शॉपिंग करके बर्बाद कर रही हो। अब ये कैसी बातें करने लगे आप, मैं क्या रोज शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ? साल में 1-2 बार तो जाने के लिए कहती हूँ आपसे, वो भी नहीं। आज से शॉपिंग नहीं करूंगी, जैसी हूँ ना वैसी ही रहूंगी, चाहे कपड़े फटे या पुराने हो जाए। अब ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ जब तुम बिना कपड़ों के चला करोगी तो फिर मैं। अच्छा आप भी पागल हो गए हैं क्या? आपसे बात करके ना मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है। खूब अच्छी तरह से मेहनत करो और पेट भर के खाना खाओ। अभी मुझे पेट भर के खाना नहीं खाना है। एहसान करोगी? मनीष तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? ऐसे ही खड़ा था बस। आज तुम कलेक्शन पर नहीं गए? हाँ बस जा ही रहा हूँ ना, कल भाड़ा देना है, ये बात तुम सबको बता देना। अब तुम जल्दी से चले जाओ। अच्छा ये बताने जाऊँ या कलेक्शन लेने जाऊँ? बोलो। वैसे जॉर्ज भाई यहाँ नए पुलिस स्टेशन का काम चालू है और वो जो आदमी है ना वो इंजीनियर है। स्कूल में उसने अच्छे से पढ़ाई की होगी इसलिए आज वो इंजीनियर बनकर टाई लगाकर घूम रहा है। तुम तो 5वीं फेल हूँ, मैं कम से कम 10वीं तो पास हूँ। क्या बोला? अरे टाई पहनने के लिए इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं होती। जल्दी ऑफिस आ जाओ, हिसाब करना है। हाँ ठीक है भाई। भाई एक चाय देना। हाँ रघु एक चाय ला। हाँ लाया। साहब ये काम खत्म होने यहाँ और कितना वक्त लगेगा? 6 महीने तो लगेगा, जल्दी खत्म किया तो फायदा नहीं होगा। जॉर्ज कुट्टी ये सोमू है। हाँ। इस नए पुलिस स्टेशन के कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ। मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये सिविल वर्क करता हूँ, मेरे ऊपर एक और कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ। आप क्या काम करते हैं? मैं एक ये जॉर्ज कुट्टी है। हाँ। इस एरिया का केबल टीवी नेटवर्क इन्हीं का है। हाँ। और उस बिल्डिंग के कोने में इनका ऑफिस है। ये बहुत ही अच्छे आदमी है, जैसे आप हो वैसे ही। अरे जॉर्ज भाई घर से फोन आया है, रात में आप यही रुकोगे या फिर घर जाओगे? मैं यही पर रहूंगा। ठीक है बोल देता हूँ, आप यही रहेंगे क्या? मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहूंगा। सबके सो जाने के बाद रात में फिल्म दिखाने का काम इन्हीं का है। तो आप घर नहीं जाते क्या? भाई साहब मजाक कर रहे हैं, यहाँ रात में कोई ना कोई तो चाहिए ना। हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, कभी बिजली चली गई, कभी कोई फॉल्ट आ गया तो लोग कंप्लेन करते हैं। जिम्मेदारी वाला कोई जल्दी मिलता नहीं है, अच्छी सर्विस ना दी जाए तो लोग कमी निकालेंगे और पैसे नहीं देंगे। हाँ ये तो है। इन्होंने पूरी बात तो बताई नहीं, रात में 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक इनके चैनल पे कुछ खास चीजें चलती रहती हैं, जिन्हें लोग देखते हैं और मजा भी लेते हैं। आप शांत रहिए भाई साहब। अरे मुझे सब बताने तो दो, उस वक्त फैशन टीवी की क्लिप चलती है और बड़ी ही मजेदार क्लिप चलती है। आप खुद अपने गाँव वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने बेइज्जती की, लेकिन तुम तो अच्छा काम कर रहे हो तो खुश रहो। ठीक है सोमू, हम लोग फिर बाद में मिलते हैं। सुनो हाँ मैं जरा घर जा रहा हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम यहाँ संभाल लेना। ठीक है। अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेडरूम वाला सीन अच्छा था ना? इस निकम्मे को सब कुछ पता है। कौन सा सीन देकर आए हैं? बताऊंगा ना। इस तरह अंदर आ रहे हैं, बताइए कौन सा सीन देखा? बेडरूम सीन था या नहाने वाला? अरे बताऊंगा ना, कह रहा हूं ना। मुझे पता है आज क्या होने वाला है। ये क्या कर रहे हैं? अब जवान नहीं रहे आप। किसने कहा कि मैं जवान नहीं रहा? मैं अपने मन में हमेशा
खुद को 17 साल का ही समझता रहता हूँ। समझ गई। अच्छा सुनिए ना, एक बात कहूँ आपसे। बता ना डार्लिंग। हम अपना जीप एक्सचेंज करा के एक छोटी सी कार ले ले। क्या हुआ, मेरी बात पसंद नहीं आई? तुम्हारी जैसी औरतें मर्दों की सारी वीकनेस पहचानती हैं और मौका मिलती है उसे ब्लैकमेल करने लगती हैं। जान लो मैं वैसा पति नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे जो भी करना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब चुपचाप सो जाओ, कार चाहिए कार। क्या यार, कहाँ से ये भी। कार चाहिए तुम्हें कार। मैंने फैसला कर लिया है। तो बताइए क्या फैसला किया? कार सेकंड हैंड खरीद लेंगे। हटियो जी। अरे नए की कीमत बहुत ज्यादा है। सुनो। हटियो। अरे सुनो ना। हटिए ना। अरे तुम कहाँ हो? ये लाइट भी नहीं बंद करते। आप रात में आ गए थे क्या पापा? हाँ। पर आप रात में क्यों आए? तो चुपचाप अपना नाश्ता कर। पापा कभी रात में नहीं आते हैं ना, इसलिए इनसे ये सवाल पूछ रही हूँ। और कल खुद कहा था कि कल रात ये घर नहीं आएंगे। मैं एक मारुति कार बुक करने आया था। हम जल्दी ही मारुति कार खरीदेंगे। सच में पापा? हाँ हाँ, सच में। हमें मारुति कार नहीं चाहिए पापा, हमें ऑडी कार चाहिए। क्या कहा? ऑडी। वो भी एक कार है पापा, वो कार मुझे बहुत पसंद है। मारुति कार से सस्ती है क्या? अरे पापा, 40 लाख से कम की कीमत नहीं होगी उसकी। अरे बाप रे, सोने की बनी हुई है क्या वो? अगर पेपर पढ़ते ना तो सब पता चलता आपको। पेपर में इस चाड़ी के बारे में पढ़कर क्या फायदा होने वाला है? चाड़ी नहीं पापा, ऑडी। कुछ भी हो हम उसे नहीं खरीद सकते, हमारे लिए मारुति बहुत है। पापा हम कब कार खरीदेंगे? तुम चुपचाप अपना नाश्ता करो। आज नहाने का इरादा नहीं है क्या? बाद में नहाऊंगा। क्यों, स्टैमिना नहीं बचा क्या नहाने के लिए? आज उसके लिए स्टैमिना नहीं बचा है, कल रात सारा स्टैमिना खत्म हो गया। कल रात में साइकिल चला कर आया था ना यहाँ, उसमें सारा स्टैमिना खत्म हो गया। ओहो। मम्मी, आपको स्विमिंग क्लब के बारे में बताया था ना? मैंने तुमसे कल ही मना किया था ना? पापा, मम्मी को बोलो ना मुझे वहाँ जाने दें। क्या है बताओ मुझे। अगले महीने एक स्विमिंग क्लब का कंपटीशन होने वाला है, यहाँ के कई स्कूलों के बहुत सारे लड़के लड़कियाँ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे स्कूल में से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और उसमें से एक मैं हूँ। स्विमिंग कंपटीशन में क्या मिलेगा बेटा तुम्हें, उसके बदले यहाँ बैठकर आराम से पढ़ाई करो। पापा माँ से कहिए ना। अगर कोई ये सोचता है कि किताब में छपी अक्षरों को पढ़ने से दिमाग बढ़ता है तो वो बिल्कुल गलत है। करोड़ों लोगों की जनसंख्या वाला इस देश में आज भी ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जो निरक्षर हैं। हमारा ये देश ऐसा है जिसमें किताबी ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, और यही असली ज्ञान है। लेकिन तुम्हारे जैसी 10वीं फेल महिला कभी भी ये सच्चाई समझ नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए सेंस चाहिए, सेंसिबिलिटी चाहिए, सेंसिबिलिटी चाहिए। वाह कमाल कर दिया पापा। ठीक है, कोई बात नहीं, कैंप में भेजना है ना? भेज दीजिए, पर फीस 1500 रुपए है, याद रखिएगा। पापा, तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है बेटी। देखिए अब आप कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है। अरे आप लोग अभी तक नहीं गए, स्कूल टाइम पर पहुँचना चाहिए ना बेटा। सुनी, बच्चों के सामने ऐसी वैसी बातें मत किया कीजिए, वो बड़े हो रहे हैं सब कुछ समझते हैं। ए, उन्हें ये सब कुछ भी नहीं मालूम है, अपनी जवानी में मैं ये सब कुछ भी नहीं समझता था। ओ, रहने दीजिए, वरना सारी पोल खोल दूंगी।
देखो ये तुम्हारे लिए खरीदा है ईडीएम पंप बनाने के लिए। अरे इसे क्यों खरीद लिया, ये तो पहले से था ना, वो पुराने टाइप का है ना। सुनो आखिरी बार ईडीएम पंप तुमने एक साल पहले बनाया था। ये क्या है जॉर्ज बेटा? सच बताओ तो मैंने ये सासू माँ जी के लिए नहीं खरीदा था। कुछ भी, ये मैंने माँ के लिए ही खरीदा है। इसे मैंने मना किया था, घर में ऐसे तीन पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, वो दूसरे टाइप का है ना? इस टाइप का हो या फिर दूसरे टाइप का हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि साल भर से हमारे घर में एडीएपम बना ही नहीं है। इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, पिछले साल ही तो एक दिन बनाया था ना। हाँ, एक दिन बनाने के लिए इस तरह के तीन आइटम खरीद लिए। अब आप ही बताइए, अब इस बात पे झगड़ा तो हो गई ना। अरे जॉर्ज बेटा, ये औरतों की बहुत ही पुरानी आदत है। अब देखो इस मामले में इसकी माँ भी कुछ कम नहीं है, कहीं भी जाएगी लेकिन एक बर्तन जरूर खरीद कर लाएगी। बाजार में और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ बर्तन ही बर्तन दिखेंगे। एक आदमी के खाने के लिए एक कुकर, तीन आदमी के लिए एक कुकर, विसिल देने वाला, विसिल नहीं देने वाला, इन्हें हर टाइप के चाहिए। सुनिए, किचन की जरूरतें हम औरतें देख लेंगी, आप टांग मत अड़ाइए। अरे जीजा जी, आपसे मिले बहुत दिन हो गया। मैं तो यहाँ कई बार आ चुका हूँ लेकिन राजेश तुम यहाँ नहीं मिलते। ये लो, ये तो यहाँ रहते हुए भी हमें नहीं मिलता। सुना है आजकल पांडे की पार्टी में बहुत ज्यादा बिजी है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है, वहाँ का इन्विटेशन है क्या? नहीं, ये नोटिस है। नागेश्वर पांडे एक्स एमएलए प्लस शेरी के करमडाई के साफ सफाई का काम करने के लिए। क्या है ये बताओ तो। यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर नासिक के पास में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, वहाँ डेवलपमेंट का कुछ काम होने वाला था लेकिन वहाँ का जमींदार रोड़ा अटका रहा है। मामला कोर्ट में गया तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम फंस गई, अब हम लोग ही मिलके उसे सॉल्व करने की सोची है। लगता है राजेश आजकल समाज सेवा का काम कर रहा है। ये कोई समाज सेवा नहीं है बल्कि राष्ट्र सेवा स्वच्छ भारत अभियान है, जिसमें आजकल ये बहुत ही ज्यादा बिजी हैं अपने दोस्तों को भी साथ लेकर के। अब ये लोग तो जी जान से जुटे हैं इस काम में लेकिन भ्रष्ट नेता इन्हें ठीक तरह से अपना काम ही नहीं करने दे रहे, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो उन्हें कमीशन कैसे मिलेगा। यहाँ का एमएलए तो पहले से ही रईस है, वो इतने पैसों का क्या करेगा। वो आदमी वहाँ फिश फार्म बनाएगा, पारामड़ी में फिश फार्म बनाएगा। क्यों, गांव में पहले से ही तालाब है, उसे ही फिश फार्म में बदल देंगे। ये है हमारे राजेश। पिताजी ने सही कहा, राजेश राष्ट्रीय सेवा करना चाहता है। अरे बेटा जॉर्ज, ये चाहती है कि बच्चों को हम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं। और वैसे भी आजकल कोई भी अपने बच्चों को छोटे मोटे स्कूल में तो पढ़ाना नहीं चाहता। अरे वो तो बहुत अच्छा स्कूल है जॉर्ज। हाँ लेकिन ये लड़कियाँ तो अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही हैं, उस स्कूल में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता है पिछले 15 सालों से सेंट जोसेफ स्कूल में 100% लड़के पास हुए हैं लेकिन ये स्कूल वैसा नहीं है, पर हमारे स्कूल ने भी 2 प्राइजेस जीते हैं। देखो स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं, स्कूल उसमें क्या कर सकता है। भाऊजी आजकल के माँ बाप की सोच बिल्कुल अलग है, इन लोगों के हिसाब से जिस स्कूल का फीस ज्यादा हो वो स्कूल अच्छा होता है। अब इसमें उनको क्या फायदा होता है मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये भी बिल्कुल वैसी है। पढ़ने वाली लड़कियां कहीं भी पढ़ेंगी, सही कहा ना? हाँ, ये भी सही है। आप अभी पैसे खर्च नहीं करना चाहते, यही बात है ना? अगर ऐसा होता तो मैं इन्हें गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करवा देता, लेकिन देख लिया ना ऐसा नहीं है। जहाँ हर तरह की सुविधा है वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में इन्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दुनिया की सैर करवा सकूँ उतना पैसा नहीं है मेरे पास। आप कुछ भी कहें ना, इनके पास उसका जवाब होता ही है। आजकल दूसरों को देखकर हमें जीना सीखना चाहिए कि नहीं, तभी तो हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी। दुनिया के साथ चलना बहुत जरूरी है, पता नहीं ये बात कब समझेंगे। कुछ भी कह लो, ये बात ये मुझे जरूर समझाएंगी। वैसे मैं दुनिया के साथ साथ चलता तो मुझे तुमसे शादी करते वक्त दहेज लेना चाहिए था। बाबूजी, अभी इसकी क्या जरूरत है? बेटा ये केले का घर लेते जाओ, इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वहाँ कोई नहीं खाता इसे, इसलिए मेरे यहाँ जितना भी केला होता है उसे सुलेमान भाई को भेज देता हूँ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, हम दोनों कितना खाएंगे, पेड़ में बहुत सारे केले लगते हैं, बेच ही देते हैं। अच्छा आज ही जाना जरूरी है क्या? हाँ सारी तैयारी पूरी हो गई है। क्यों? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि जो शादी के समय नहीं कर पाया अगर मैं। दहेज की बात आप मुझसे मत कीजिएगा, वो तो अपनी पत्नी का मुंह बंद करने के लिए मैंने कह दिया था, ऐसा वैसा कुछ मत समझिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा था कि अगर। देखिए मैं रानी को पसंद करता था इसलिए मैं उससे कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ,
लेकिन उस वक्त न मेरे पास कोई घर बार था, न संपत्ति थी और न ही कोई काम धंधा था, इसलिए आपने मुझे वापस लौटा दिया था। और उस बात से चोट खाकर जब मैंने अपना धंधा शुरू किया, तब उसके बाद आप ये शादी करने के लिए राजी हुए थे। ये शादी करने से मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। एक इंसान जो अनाथ था, उसे माँ बाप और भाई मिल गए। ये तुमने सही कहा बेटा, जॉर्ज सिर्फ मेरी बेटी रानी का पति ही नहीं है, बल्कि इस परिवार का बड़ा बेटा भी है। अगर हमारे इस परिवार में कोई तकलीफ है तो तुम्हें खुशी कैसे मिल सकती है? ठीक उसी तरह से अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो भला हम खुश कैसे रह सकते हैं? जॉर्ज बेटा, दुख तकलीफों को बांटने से ही असली खुशी मिलती है। भाऊजी, मेरे मन में क्या है ये बात आप समझ गए तो इसकी कोई वजह हो? वो मैं जानता हूँ, तुम अपने गाँव में थिएटर खरीदना चाहते हो। रानी से बोलकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसमें ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी समस्या हमारी नहीं है। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैंने थोड़े पैसे जमा कर लिए हैं और कुछ पैसे मैं बैंक से लोन ले लूंगा। लेकिन लोन लेने से पहले हजार बार सोचना चाहिए। वैसे भी बैंक से लोन लेकर बिजनेस में मैं घाटा उठा चुका हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि लोन ना लो तो ही बेहतर है। तो फिर वो? देखो बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। हम जैसे मिडिल क्लास वालों के पास पैसे कभी भी खर्च से ज्यादा नहीं होते। यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर मेरा एक रबर का बगीचा है, वो पूरे 1.5 एकड़ का है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह संभाल नहीं पा रहा। और राजेश तो राष्ट्र की सेवा में ही लगा है। मैंने बहुत बार सोचा कि उसे बेच दूं, लेकिन बरसों से इस फैसले को टालता ही रहा। मैं सोच रहा हूं कि उस जमीन को तुम्हारे नाम कर दूं। अरे नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं भौजी? ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, बल्कि राजेश और उसकी माँ दोनों का भी फैसला है। बेटा, तुम तो हमें हमेशा ही प्यार देते आए हो, अब आज हमें कुछ करने का मौका है तो करने दो ना। किस सोच में डूबे हैं आप? थिएटर वाली बात तुमने बाबूजी को क्यों बता दिया? ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने से वो ये सब दे रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी शादी होने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बस यही सोचते रहते हैं। आप ही सोचिए, जब हमारी बेटियों की शादी होगी तो क्या हम उन्हें खाली हाथ भेजेंगे? हमारी हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ तो देंगे ना, चाहे पैसे हो या ना हो। मुझे उनसे ऐसे पैसे लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। जरा इस चांद को देखिए, यही हमारी जिंदगी में रोशनी देगा। हम जमीन बेच देंगे और एक थिएटर बनाएंगे। आज जो केबल टीवी का एक मैनेजर है जॉर्ज कुट्टी, वो कल एक थिएटर का मालिक बन जाएगा। वहाँ कोई दूसरा आदमी काम नहीं करेगा, सब कुछ हम देख लेंगे। आप कभी नहीं सुधरेंगे, जैसे दुनिया चलती है हमें वैसे ही चलना पड़ेगा। ये क्या तुम हमेशा चलते रहने की बात करती रहती हो? वो सामने सड़क दिख रही है ना तुम्हें, जाओ उस पर चलते रहो। मैं सोने जा रही हूँ, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। जाओ। ये लीजिए आपके लिए चाय। अच्छा सुनिए, मैं एक बात कहूं तो आप मानेंगे? क्या बात है? मानेंगे तो बताऊं? पहले बात क्या है बताओ, तब तो बोलूंगा। पढ़िए। क्या है ये? पढ़िए तो। थोड़ा पूजा परेल चर्च में पारिवारिक प्रेयर, अगस्त 2 तारीख शनिवार के दिन सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा। मैंने बहुत पहले एक मन्नत मानी थी, मैं चाहती हूँ कि आप हमें वहाँ लेकर चले, मेरी बहुत तमन्ना है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा रानी, तुम्हें जाना है तो बच्चों के साथ चले जाओ। सिर्फ हमारे जाने से बात नहीं बनेगी, पूरे परिवार को जाना होगा। अगर आप कहें तो हम सब साथ चलेंगे। पापा पापा, एक बात बताइए, आज के मुख्य समाचार क्या है? जो पेपर ही नहीं पढ़ते वो ये बात कैसे बता पाएंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। आप तो पेपर पढ़ते नहीं, आपको कैसे पता? दिमाग वालों को पेपर की जरूरत नहीं होती। तो पापा, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है इसलिए कार नहीं ले रहे हो आप? क्यों, क्या तुम लोगों का मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है तो आप सोचते क्यों इतना? तुम इसकी चिंता मत करो, पेट्रोल के भाव बढ़े या ना बढ़े हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों, मारुति कार में पेट्रोल नहीं चाहिए होता है? हमेशा खड़ी रहने वाली गाड़ी को पेट्रोल की क्या जरूरत है? हाँ, तुमने मुझसे वो 1500 रुपए लिए थे ना नेचर क्लब के उस खास कार्यक्रम के लिए, कैसा रहा वो कैंप? बहुत मजा आया पापा, वहाँ तो पूरे स्टेट के कई स्कूलों के बच्चे आए थे। स्विमिंग के अलावा वहाँ हमें नेचर के बारे में भी काफी कुछ बताया गया था। उसके अलावा गाना और डांस भी था, और रात को कैंप फायर भी हुआ। ये क्या होता है रानी?
कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इनसे क्या कह रही हूँ, आपको सब पता है क्या? रात में लकड़ी जलाकर उसके आसपास बैठते हैं, उसे ही कैंप फायर कहते हैं। फिर उसके गोल गोल घूमते हैं और नाचते और गाते हैं। तो तुमने कुछ किया दीदी? मैंने भी एक गाना गाया। इंग्लिश में? नहीं, हिंदी में। पर तुम तो इंग्लिश गाने गाती रहती हो, फिर क्यों नहीं गाया? एक लड़की ने इंग्लिश गाना गाया था, उसमें भी मजा आया, लेकिन कुछ भी बोलो हिंदी में ज्यादा मजा है। सेंट जोसेफ स्कूल की बच्ची होगी वो? नहीं, सेंट जोसेफ की नहीं, वो हमारे स्कूल की लड़की थी। दूसरे स्टेट के एक बहुत बड़े स्कूल की स्टूडेंट भी थी, पूरा टाइम इंग्लिश में बात कर रही थी। बहुत सारे बड़े बड़े घरों के बच्चे थे। एक तो जज का बेटा भी था, उसे मैंने टीवी पर किसी एड में पहले देखा हुआ है। और एक आईजी का बेटा था, वो थोड़ा सा पागल ही था। पता है वो क्या करता था? लड़कियों के पीछे जाकर उनकी फोटो खींचता था और वीडियोस बनाता था। तो तुम्हारी भी फोटो ली? हाँ ली। और तुमने फोटो खिंचवाई क्यों? मैंने नहीं खिंचवाई, लेकिन उसने ले ली। पर वो फोटो खींच रहा था, तब मना कर सकती थी ना? मैंने मना किया लेकिन वो नहीं रुका। फिर किसी ने उसकी जाकर कंप्लेन की तो सर ने डांटा, तब जाकर वो रुका। तुम तो पेपर पढ़ती हो ना, तुम जानती नहीं इस तरह की हरकतों से कितनी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है। अब मैं क्या करूँ मम्मी, आप मुझसे क्यों नाराज हो रही है? फोटो मत खींचो, ये तो कह सकती थी ना। अच्छा, लड़कियाँ शादी के लिए स्टूडियो में फोटो खिंचवाती है ना? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? अरे वो कोई साधारण सा कैमरा नहीं है, किसी मोबाइल में फोटो खींची होगी और वो उससे कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। आप भी पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो। पता है मम्मी, मोबाइल की फोटो भी साधारण कैमरे की फोटो की तरह होती है, उसे भी कंप्यूटर में डालकर फोटो बदल सकते हैं, दोनों कैमरा में कोई फर्क नहीं है। पापा, मम्मी तो ऐसे बात करती है जैसे वो सब समझती है। अब वो तो वो करेगी ना, दसवीं क्लास औरत का अहंकार है बस समझ लो। चौथी क्लास पड़ी बुद्धिमान लड़की आपके साथ है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ, मिट्टी पत्थर डालकर बनाएंगे, अच्छा लगेगा। यह खराब हो गया है, बहुत दिनों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ। छोटा काम करने के लिए यहाँ लोग मिलते नहीं, इसलिए मैंने इसे कभी भाड़े पर नहीं दिया। अगर ठीक से करेंगे तो एक ही दिन का काम लगता है। ठीक है, तो फिर आप मजदूर बुलवा कर इसे बनवा दीजिए। हाँ, यहाँ एक हफ्ते के बाद काम शुरू करेंगे। सोमवार से पुलिस स्टेशन का काम शुरू होगा, उसके बाद मैं काम कर दूंगा, बस चलेगा ना? हाँ ठीक है, चलेगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे चाय पीनी है। ठीक है, जो भी आ रहा है। सोमू सर, रुकिए रुकिए। सर, मुझे आपको कितने रुपए देने हैं? मैंने यहाँ पर जो खाया पिया उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि अपनी बेइज्जती की बात कर रहा हूँ। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, एसआई से मेरे खाने पीने की शिकायत हो रही है। लोगों की बातों में आकर अपना नाम खराब मत करो। तुम्हारे दिए हुए शेयर में से एसआई को भी हिस्सा देता हूँ, इसलिए उनसे कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं। जिस तरह से अभी तक चलता आया है ना, वैसे चलने दो, वरना मैं काम ही नहीं करने दूंगा। बहुत अच्छी बात है सहदेव सर, यहाँ के एसआई सुरेश बाबू को हम भी जानते हैं, इसलिए तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। अबे तू बीच में क्या कर रहा है? खराब हो गया, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा लगता है। मुझे नहीं, तुझे सर पता है। पता है, वैसे पहले सहदेव कुछ भी करेगा, सब लोग जानते हैं। नहीं तो, सुन ले जॉर्ज, एक दिन तू मेरे हाथ में आएगा जरूर, तब तेरी खबर लूंगा। छोड़ मुझे। अरे नहीं, शेर बन के आया था, बिल्ली बन के चला गया। भाई साहब, मेरी वजह से आपने उससे दुश्मनी क्यों ली? जॉर्ज कुट्टी, कुछ भी हो मत भूलो कि वो एक पुलिस वाला है, वो उल्टी सीधे काम कर सकता है। हम क्यों पुलिस वाले से डरने जाएं? आज तक हमने कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है और कल भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एक और दो ना दीदी, दो ना दीदी प्लीज। नहीं, काफी है, घर चल देती हूँ। नहीं, मुझे अभी चाहिए, घर चल के दूंगी ना। अंजू का घर यहीं पर है क्या? हाँ। तुम जानती हो मुझे? तुम वरुण हो ना? अभी तक तुम मुझे भूली नहीं। यहाँ कैसे आना हुआ? सच कहूँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। हाँ अभी देती हूँ। सामान लेकर आए ना? सामान दीदी लेकर आ रही है। देखो वहाँ पौवे रखे हैं, ले लो, खा लो। तुम्हारी दीदी अभी तक नहीं आई? हाँ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है। सेवियर अंकल के घर तक तो हम साथ आए थे, फिर मैं दौड़ते हुए घर पर आ गई। ये कहाँ चली गई? मम्मी, दुकान से लाया हुआ सारा सामान तो घर में ही है।
अंजू, अंजू क्या हुआ मम्मी? तुम अंदर क्यों चली गई बेटा? मैं तुम्हें कब से बाहर ढूंढ रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? गाना सुन रही होगी इसलिए नहीं सुना होगा। तुम्हारे लिए कॉफी रखती हूँ, चाहो तो पी लो, फालतू में मुझे टेंशन देती रहती है। तुम डरो मत, मेरे सिवाय किसी के पास नहीं है, सो डोंट वरी। और इसे मैं तुम्हारे सामने अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन उसके पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अंजू, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए आज रात को 11 बजे तुम घर के पीछे आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे अंजू कभी रोती नहीं है, अंजू को मैं यहाँ तंग करने नहीं आया। अगर तुम्हें तंग करना होता तो मैं इसे दोस्तों को दिखा देता या इंटरनेट पे डालता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए आज रात को 11 बजे तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगी। मैं नहीं आऊंगी। ये इंटरनेट पर आया ना तो तुम और तुम्हारे परिवार की खूब बेइज्जती होगी, फिर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। हाँ, अगर तुम चाहो ना तो ये मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा। बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, आज रात को 11 बजे मुझसे मिलना। मतलब आज रात को अंजू मुझसे मिलने जरूर आएगी। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे परेशान मत करो। आज रात 11 बजे मिलता हूँ, वही बातचीत करूंगा। अंजू इस तरह से क्यों लेटी हो, और कॉफी भी नहीं पी तुमने? मुझे नहीं चाहिए मम्मी, मुझे आराम करना है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। कितनी बार कहा है फोन में गाने मत सुना करो वरना सर दर्द होगा, अभी दवाई देती हूँ। रुको, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं मम्मी, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरी बच्ची, सो जाओ। सुनो खाना तो खा लो, खाने का टाइम हो गया है, लाकर दूं क्या? कितनी बारिश हो रही है, काम पूरा हो गया? तुम्हें उससे क्या है, मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मेरा काम खत्म, मैं अब जाऊं ना। तुम्हारे पास छाता है? हाँ है ना? तो जाओ। ठीक है। तू जानती नहीं मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ, अब तू देखना मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। प्लीज क्यों तंग कर रहे हो मुझे? अब मैं वैसे भी तंग नहीं करने वाला, लेकिन तुझे इसका अंजाम भुगतना ही होगा। बेटा, बेटा, हमने कभी किसी को तंग नहीं किया, तुम इस तरह से हमें क्यों परेशान कर रहे हो? जरा इस बारे में सोचो बेटा, तुम्हारी भी तो माँ होगी, बहन होगी, हमारी जिंदगी को नरक मत बनाओ बेटा। आपकी बेटी की जिंदगी को मैं नरक नहीं बना रहा हूँ, एक बार देखो, ये देखो। अभी तो बस आपने देखा है, कल इंटरनेट पर पूरी दुनिया आपकी बेटी को देखेगी। हमें माफ कर दो, हमारे पूरे परिवार को आत्महत्या करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, मैं ये सब नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपकी बेटी को मेरे साथ छोड़ दीजिए।
छोड़ छोड़ इसे मेरी बेटी की जिंदगी को नरक मत बनाओ हमारे परिवार की इज्जत मत उतारो हमें माफ कर दो मेरी बेटी को छोड़ दो उसे नरक में मत धकेलो छोड़ दो उसे छोड़ दो ठीक है मैं अंजू के साथ कुछ नहीं करूंगा लेकिन बदले में आपको मुझे खुश करना होगा छे ये पौधा किसने तोड़कर गिरा दिया है रानी 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 पापा पापा क्या हुआ क्या हुआ तुम लोगों को हाँ रानी कुछ बताओ तो सही लेकिन बदले में आपको मुझे खुश करना होगा Thank you.
अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। सच बताऊं, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए, हमने कुछ गलत किया क्या? आपको लगता है हमसे गलती हो गई? नहीं, तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया। लेकिन पुलिस को पता चलेगा तो? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इकाई जी के बेटे की मौत हुई है, जिसने हमारे परिवार की बेइज्जती की। अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझसे ये टेंशन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तुम चिंता मत करो, हमने जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है। इतनी मुश्किल से अपने परिवार को मैंने आगे बढ़ाया है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पापा। हाँ? पापा, ये वहां से मिला। क्या है ये उसके कार की चाबी लगती है। हाँ? तो वो कार यहीं के आसपास ही होगी। पता नहीं कौन सी कार होगी। येलो कलर की गाड़ी है पापा। ठीक है, अंदर जाकर देखते हैं। आओ। उस लड़के की मौत कहां पर हुई थी? वहां पर। आप ऐसे क्या दिख रहे हैं? खून। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी निशान नहीं है। उसके सिर पर मारा था क्या? अभी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। पहले ये सब यहां से हटाना होगा। मोबाइल का है ना? इस सिम नंबर पे कौन कौन से मोबाइल से फोन किया गया इसको चेक करो। सीक्रेट मोबाइल नंबर है, नंबर ट्रेस करो। सर, इस सिम से पता चला है कि वो आधे किलोमीटर के आसपास ही होगा। सर, इसको हमने सर्विलांस पे लगा दिया है। अब जहाँ जहाँ से फोन आएगा उसे हम लोग ट्रैक कर लेंगे सर। उसकी लोकेशन भी हम लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ से मोबाइल पे फोन किया जा रहा है सर। सर, सिग्नल से पता चल रहा है कि आसपास के एरिया से ही फोन किया जा रहा है सर। सर, हमने पूरी जानकारी निकाल ली है सर। एक बात ध्यान में रखना, मेरे आने तक यहां से कोई भी बाहर मत निकलना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहां घर में कोई भी नहीं है, समझे? अब आप कहां जा रहे हैं? वो कार, उसे यहां से जल्दी से हटाना होगा। अब जल्दी आ जाइएगा, हमें यहां अकेले बहुत डर लगेगा। चिंता मत करो, आज रात में जरूर यहीं रुकूंगा। देखो बेटी, अरे पापा तुम्हारे साथ है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पापा, मुझे जेल नहीं जाना। तुम जेल नहीं जाओगे बेटा, जब तक तुम्हारे पापा जिंदा हैं तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा। लाओ दो, गिन क्या रहे हो? अरे बस इतना ही है क्या? ये 300 रुपए हैं सर। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे आदमी को रहना ही चाहिए, उसके बिना नहीं होता। कभी कभी मंदिर जाते हैं। अरे मंदिर तो कभी भी जा सकते हो, पर इंक्वायरी के वक्त रहना चाहिए ना। हाँ भाई, तुम्हारा कितना हुआ? ओह, अरे भाई हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, ये 50 रुपए लो, इतना काफी है। चलो अभी मैं चलता हूँ। ये जॉर्ज कुटी है क्या? वही लग रहा है, लगता है गाड़ी चेंज किया है। कहाँ रहता है ये? वो नीचे दिख रहा है ना, जॉर्ज का घर। hmm.
हेलो, हाँ एस प्रभाकर। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक 12 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरह नहीं चलते, दे आर वेरी प्रॉम्प्ट एंड पंक्चुअल। ओके ओके। ये वरुण कहाँ चला गया? उसे कब से फोन कर रहा हूँ, लगातार फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप बार बार उसे फोन करते हैं इसीलिए स्विच ऑफ कर देता है। आपको कितनी बार समझाया है उसे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, उसे थोड़ी फ्रीडम दीजिए, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, फ्रीडम देना चाहिए और फ्रीडम जरूरी भी है, लेकिन वरुण फ्रीडम की पूरी हदें पार कर चुका है। मत भूलो हमने उसे सारी सुविधाएं दी इसलिए वो ज्यादा बिगड़ गया है। लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, क्रेडिट कार्ड्स, कार। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा सुविधा है? तुम्हें अंदाजा है पिछले महीने उसने कितना खर्चा किया है? 26,000। पिछले महीने उसने कुछ शूज और कपड़े खरीदे थे, बिल मुझे दिखाया था, और क्या चाहते हैं? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारा ये अंधा प्यार और विश्वास तुम्हें किस हद तक बेवकूफ बना रहा है। मैंने वो बिल देखा था और पता है उसमें क्या लिखा था? 6 पैंट्स, 6 शर्ट्स और 2 जोड़ी जूते। उसका जब बैग चेक किया तो उसमें सिर्फ 2 पैंट्स, 2 शर्ट्स और 1 जोड़ी जूता मिला। दैट्स अ फेक बिल। तो जरा खुद ही सोचो कि उसने बाकी पैसों का क्या किया होगा। मतलब आपने उसका पूरा बैग चेक किया? हाँ। उसकी जासूसी क्यों कर रहे हैं? आप उसे प्राइवेसी क्यों नहीं देते? इसलिए वो आपको पसंद नहीं करता। उसके पसंद करने या ना करने से क्या मैं उस डिसिप्लिन को छोड़ दूं? जो चुपके चुपके गलती करते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस बात को ध्यान रखो तुम। अरे एक मन्नत मानी थी, मैं चाहती हूं कि आप हमें वहां लेकर चलें। गाड़ी आगे लो। हाँ सर, क्या दिखाऊं मैं? मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। नया चाहिए? नहीं, सेकंड हैंड चलेगा। फुल चार्ज करने के बाद अच्छी तरह चलना चाहिए। फुल चार्ज वाला मोबाइल देखिए, ये चलेगा सर। इसकी कीमत क्या है? 900 रुपए सर। हाँ ठीक है, ये लो, इसे इसमें डाल दो। नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ मैं कल ही की फ्लाइट से दिल्ली चली जाती हूँ, 2 दिन तक मीटिंग चलेगी। ओके ओके, थैंक यू सर। इस आवाज को थोड़ा कम कर दो। यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर नासिक के पास एक छोटा सा गांव है।
एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ जी। अरे भाई आप हो, मुझे लगा कि कोई और आया है। कैसा रहा कलेक्शन? ठीक ही रहा, बारिश के कारण ना मैं सबके पास जा नहीं पाया। हाँ, मैं कल और परसों यहाँ पर नहीं रहूँगा, तुम यहाँ का सारा काम संभाल लेना। आप कहाँ जा रहे हो? मैं एक ध्यान केंद्र में जा रहा हूँ। ध्यान केंद्र? हाँ, वो रानी है ना, बहुत दिनों से कह रही है, अभी जाकर मौका मिला है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। जॉर्ज भाई, हाँ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे मुझसे? नहीं, आज आपका बिहेवियर बहुत अलग दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। अभी तो मेरे स्वभाव और हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन आने पर मैंने देखा कि अगर तुमने काम ठीक से नहीं किया है तब मेरे स्वभाव और हरकतों में जरूर बदलाव आ जाएगा। तब तो ओके। हाँ, तब तो ओके। अरे लेकिन अब तो मैं आ गया पापा? ना। हाँ पापा, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना प्लीज। नहीं नहीं पापा, नहीं। उस कार का क्या हुआ? उसे मैंने हटा दिया, उसके बारे में तुम लोग चिंता मत करो। उस कार का क्या किया आपने? मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम टॉवल लेकर आ जाओ। कोई लड़का यहाँ पर नहीं आया और न ही हमने किसी लड़के को यहाँ देखा। पर पापा वरुण। ए, कौन है ये वरुण? मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अब से हम सब लोगों को इसी तरह से रहना होगा, डर और टेंशन से हमें खतरा पहुंच सकता है, ये मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। जब मैं ऑफिस से निकल रहा था उस वक्त मनीष ने मुझसे ये पूछा कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ क्या। अगर उस एक साधारण से लड़के को मेरे चाल ढाल में बदलाव नजर आ सकता है तो किसी को भी नजर आ सकता है। किसी ने आपसे कुछ पूछा? अभी ऐसा तो कुछ नहीं पूछा उसने, लेकिन उससे पहले की तरह की बातें करनी होंगी मुझे, नहीं तो उसे शक हो सकता है। इसीलिए हमारी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी हुआ है हम उसे भूल जाएं। पापा, उस कार का क्या किया? देखो, जितना कुछ भी अभी तक तुम्हें पता है उन सब बातों को अपने दिल में दबाकर भूल जाओ, और कुछ नहीं जानना है। लेकिन अगर तुम लोग इससे आगे जानने की कोशिश करोगे तो ये बातें हमें और दलदल में फंसा देंगी। वैसे कल रात हम लोग एक यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ? 2 दिनों के लिए हम लोग यहाँ से दूर रहेंगे, तभी हमें चैन मिल पाएगा। अगर कोई पूछे तो बता देना हम सब लोग ध्यान केंद्र जा रहे हैं। पर उसका तो आज आखिरी दिन था। लगता है परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं। मनी, तुमने ये नई बस खरीदी? अरे ये नई बस नहीं है, सेकेंड हैंड बस है, लेकिन अभी ज्यादा चली नहीं है। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तुडुपुला के एक ध्यान केंद्र में जा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं जॉर्ज भाई, मेरी बस में अगर आप टिकट लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? आप भी ना। टिकट टिकट।
ये क्या कर रही हो रानी, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैं कोशिश कर रही हूँ पर फिर भी कुछ भी नहीं भुला पा रही, मैं छुपा नहीं पाऊंगी। छुपाना पड़ेगा, हमें छुपाना ही होगा। इस घटना को पुलिस से छुपाने का हमारे पास एक ही तरीका है, हमारी हिम्मत। हमारे परिवार की बेइज्जती न हो इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा भरोसा करो और मेरा साथ दो तुम लोग। हे, एक बात और सुनो, आज से हम जितनी भी खरीदारी करेंगे उन सब सामान का बिल चाहिए, मटन हो, सब्जी हो, किताब हो या पेंसिल हो, सबका बिल चाहिए। Connect me to CyberCell. मैडम, वरुण के फोन सिग्नल से पता चला कि वो केरला से मंगलपुरम, उडपी वाया गोवा, पुणे से होते हुए कोल्हापुर तक कहीं गया और वहां पर जेपी भावनगर दिखा रहा है। वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर ये सिग्नल अपने आप बंद हो गया। गोवा और मुंबई में उसके फ्रेंड्स भी हैं। लगता है कि वो फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर गया होगा मैडम। डरने की बात नहीं है, सिर्फ गाड़ी मिली है। सबसे पहले किसने देखा? कुछ बच्चे नहाने गए थे, उन्होंने ही देखा। कुछ दिन पहले ही हुआ है क्या? यस मैडम, लगता है दो दिन हुए। एक्सक्यूज मी, इस तालाब में ढूंढा क्या? ढूंढा सर। सर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एल कुमार। यस मैडम। मीडिया पब्लिसिटी होने से पहले प्लीज रैप इट अप। मैडम, वरुण के मोबाइल की डिटेल से पता चलता है कि उसने 2 तारीख की रात 7:18 पे उसने एक नंबर पे कॉल किया था, 9322614567।
उस समय तक फोन नासिक से 5 किलोमीटर दूर के एरिया में शो कर रहा था, लेकिन रात 10:15 बजे फोन आउट ऑफ रेंज हो गया। फिर दूसरे दिन सुबह 9:15 बजे नासिक से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के टावर में शो कर रहा है। फिर उसके बाद मुंबई के पास कोल्हापुर में फोन स्विच ऑफ हो गया। मैडम, अभी तक की हुई बातों से देखा जाए तो हमें आसपास के एरिया से ही पूछताछ करनी पड़ेगी, और शायद यही हमारे लिए बेहतर होगा मैडम। वरुण ने आखिरी बार किससे बात किया था, हमें ये पता लगाना होगा। यस मैडम। उसे अंदर आने दो। मैडम ने जो अकाउंट नंबर दिया था उसे आखिरी बार कैश विड्रॉ किया है 2 अगस्त की रात में ठीक 10 बजे टुडुपुला के एटीएम से। कितना पैसा निकाला है? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? उसे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? सर, मुझे शक हो रहा है। 2 तारीख को आउट ऑफ रेंज होने वाले मोबाइल और 3 तारीख को रेंज में आने वाला मोबाइल दोनों अलग अलग है। दोनों के IME नंबर अलग है। लग रहा है कि नया मोबाइल लेने के लिए ही पैसा निकाला गया होगा। पर वरुण ने मोबाइल 3 महीने पहले ही लिया था, इसलिए नया मोबाइल लेने का सवाल ही नहीं उठता। गीता, our son is in trouble. सर। ए मनीष, क्या है ये? पंचायत में पैसा भरना है। तो तुमने भरा क्यों नहीं अब तक? वो मैं, अरे 3 दिन हो गए हैं। अरे नहीं, 3 दिन नहीं हुए। क्यों? हम लोग ध्यान केंद्र से होकर आ गए, उसके बाद तुम मुझे बता रहे हो इसके बारे में? हाँ। ये है वरुण प्रभाकर, IG गीता प्रभाकर का बेटा। ये लड़का मिसिंग है। इस महीने की 2 तारीख को वो हमारे एरिया में आया है, इस फोन के डायरेक्शन से पता चला है। ये कार वरुण इस्तेमाल कर रहा था, मारुति जेन KL7AA1734। ये कार मूलाचरी पंचायत के रहने वाला 12 मड़ी तालाब से निकाली गई है। अरे तंगराज, हा? तुम्हारा भाई अशोक कैसा है? अच्छा सर, वो अच्छे से काम कर रहा है। अच्छी बात है। अरे सुनो, जरा 100 रुपए देना। ये पैसा मेरा नहीं है। क्या बात कर रहे हो, आजकल तो कमाई अच्छी हो रही है। नहीं सर, आजकल कमाई नहीं हो रही है। दूसरे वाले पॉकेट में देखो, होगा सर, मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो 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 निकलो। अरे काका, जरा सिगरेट देना। देव सर को चाय चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक काफी बड़ा केस मिल गया है, उसी में बिजी हूँ। कैसा केस? वो मैं नहीं बता सकता। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब से पीले रंग की एक मारुति कार मिली है। किस जगह मिली है वो कार? हाईवे के नजदीक ही, मूलाचरी गांव के पास। इससे पुलिस वाले को क्या फायदा होगा? फायदा तो नहीं है, लेकिन उस गाड़ी के बारे में तो मुझे पता करना ही है ना। IG ऑफिस से ऑर्डर मिला है और IG को तो रिपोर्ट करना ही है ना। अब मेरी यही तो ड्यूटी है। मुझे माधव सर से कुछ बात करनी है, मैं चलता हूं। हाँ? क्या बात है, इतने उदास लग रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सहदेव, तुम दुश्मनी निकाल रहे हो क्या? जॉर्ज कुटी से तुम्हारी पटती नहीं है, इसलिए कोई गलत काम मत करना। अरे नहीं माधव सर, जॉर्ज उस दिन उस गाड़ी को लेकर गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अभी गाड़ी की बात कर रहा था तो ये डर रहा था। कार की बात सुनकर जरूर उसके अंदर डर पैदा हुआ होगा। देखिएगा, अभी ये पीछे मुड़कर देखेगा। तुम क्या बोल रहे हो? इस जॉर्ज कुट्टी का IG के बेटे के साथ क्या संबंध है? सर, सहदेव और जॉर्ज कुट्टी में बिल्कुल पटती नहीं है, इसलिए सहदेव इस मौके का फायदा उठा के जॉर्ज कुट्टी से दुश्मनी निकालना चाहता है। यह सारा झूठा इल्जाम है सर। सहदेव ने जिसे देखा, हो सकता है वो जॉर्ज कुट्टी की तरह दिखता हो। साहब, जॉर्ज कुट्टी बहुत ही सीधा आदमी है।
जॉर्ज कुट्टी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन सहदेव बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। सर ये लीजिए, इस महीने की 3 तारीख को शाम 7:15 बजे थॉमस भाई के घर पर मैं उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था। वहां मैंने जॉर्ज को देखा था। बेटी इधर आओ। इस शनिवार को मतलब अगस्त महीने की 2 तारीख को तुम लोग कहाँ थे? थोड़ा पल्लम में ध्यान केंद्र में गए थे। वहां से वापस कब लौटे तुम लोग? अगले दिन, मतलब संडे के दिन। किस वक्त? रात में। कहाँ ध्यान करने गए थे? थोडापुलम में। थोडापुलम में कहाँ? पारेपल्ली में ध्यान केंद्र कहाँ था? एक बड़े से हॉल में। सुनिए, ये सब क्या है? क्या पुलिस आएगी यहाँ पर? पुलिस तो जरूर आएगी। वो कब आएगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस का यहां पर आना बिल्कुल तय है। लेकिन इस बात को लेकर तुम लोग चिंता मत करो। इतना याद रखो कि उस लड़के के बारे में तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो। उसकी मौजूदगी का यहां पर कोई सबूत नहीं है। सबूत पाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें डराएंगे, प्यार से बातें करेंगे, थोड़ी देर के लिए मुझे और तुम्हारी मम्मी को मारेंगे भी। पर अगर उन्हें सबूत नहीं मिलेगा तो वो लोग चुपचाप यहां से चले जाएंगे। इसके लिए हम सबको एक साथ रहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जैसा कहा है उस बात पर तुम लोग टिके रहना। तुम लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है। क्या वो लोग दीदी और मम्मी को मारेंगे? तुम लोग इससे बिल्कुल मत डरना। जैसे हम लोग खेलते कूदते समय कभी गिर जाते हैं ना, इसे बिल्कुल वैसे ही समझ लो। पापा, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। सुनिए जॉर्ज, हम लोग शनिवार को यहाँ पर नहीं थे, ये बात कैसे साबित करेंगे? आपको अपने ऑफिस में या फिर सुलेमान के होटल में किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। देखा होगा तो क्या हुआ? हाँ, तो हम शनिवार को यहाँ पर नहीं थे, ये बात हम कैसे कैसे साबित कर पाएंगे? रानी, अनजाने में हम लोगों से जो गुनाह हो गया है उससे बचने के बस दो ही रास्ते हैं। या तो चुपचाप अपनी गलती मान लें, या साबित कर दें कि हम बेगुनाह हैं। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन हमारा अंतर्मन इस बात को नहीं मानता है। ये खेल ऐसा है मान लो कि चाकू का नोक हो। हम इससे बचने की कोशिश करेंगे, भले ही हम जीते या फिर हार जाएं। लेकिन ये बात तो तय है, मैं जेल जा सकता हूं, लेकिन तुम और हमारी बेटियां जेल नहीं जाएंगी। जॉर्ज कुटी था, कंफर्म नहीं बोल सकता। अरे तुमने खुद ही देखकर कहा था कि वो जॉर्ज है। नहीं, वो बात नहीं है, मुझे वो जॉर्ज कुट्टी जैसा लगा इसलिए मैंने ऐसा बोला था, लेकिन वो सच में जॉर्ज कुट्टी था ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर जॉर्ज भाई थे या नहीं तो मुझे पक्का नहीं पता सर। इन्होंने मुझे बताया इसलिए मुझे भी शक हुआ, मुझे पक्का कुछ नहीं पता। उस दिन तुमने इसी कार को देखा था क्या? इस कलर की कार तो मैंने देखी थी, पर ये वही कार है ये नहीं कह सकता। अरे इतनी जल्दी तुम कैसे भूल सकते हो? कार का नंबर क्या था? नंबर क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने एक पीले रंग की मारुति कार देखी थी। अरे पीले रंग की तो बहुत सारी कारें हो सकती हैं। सर वो बगल में एक प्रोफेसर साहब रहते हैं, उनके पास पीले रंग की कार है, ये भी हो सकता है कि हमने उनकी ही कार देखी हो। हाँ सही कहा, हमने बिल्कुल उसी की कार देखी होगी। क्यों मेरी फजीहत करवा रहे हो यार? सर कोई फैक्स आया क्या? सर, आईजी ऑफिस से फैक्स आया। पिछले महीने आईजी का बेटा एक नेचर क्लब में शामिल होने गया था सर, और उसमें सेंट माइकल स्कूल के इंग्लिश मीडियम की 2 लड़कियां भी शामिल हुई थी सर। उनमें से एक का नाम है अंजू जॉर्ज, जो जॉर्ज कुट्टी की बेटी है सर। मैंने पहले ही कहा था सर, अभी आपने देखा ना, सोचने की जरूरत नहीं है। उस जॉर्ज कुट्टी को उठाकर लाएंगे और पिटाई करेंगे तो सब कुछ उगल देगा वो। जो कुछ भी करना हो बड़ी सावधानी से करना। सर अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी अभी 2 बजे है सर। टीचर। यस अंजू, तुम्हें प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है।
में पुलिस हमसे बलवाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें डरना नहीं। तुम्हारी हरकतें एकदम साधारण रहनी चाहिए। हमारे घर में जो कुछ भी हुआ वो पुलिस नहीं जानती है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना कि सच्चाई का पता लगाने के लिए वो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ऐसे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये बात बिल्कुल उनसे मत कहना कि तुम वरुण को नहीं जानती हो। तुमने इस दौरान वरुण को कभी भी शहर में नहीं देखा है, बस इतना कहना उनसे। May I come in, madam? Yes, come in. अंजू, ये एसआई सुरेश बाबू हैं। ये तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। तुम जॉर्ज की बेटी हो? जी। इस लड़के को जानती हो? ये तो वरुण है। वरुण को तुम कैसे जानती हो? पिछले महीने स्विमिंग का एक स्टेट कैंप लगा था, वहीं इससे पहचान हुई थी। इस वरुण के बारे में तुम और क्या जानती हो? ये कि ये आईजी का बेटा है। ये वरुण ने कहा था? नहीं, वहां के स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुना। ये तुम लोग अपने आप कह रहे हो या फिर? सिर्फ पहचान ही थी सर, वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पहचान हो गई थी, वैसे ही वरुण के साथ। एक छोटी सी मुलाकात से तुमने अभी कैसे पहचान लिया उसे? वरुण कैंप में फेमस था सर, उसे लेकर कुछ इश्यूज भी हुए थे। क्या इश्यूज? वरुण वहाँ सब लड़कियों की फोटोज खींचता था। एक बड़े से वकील की बेटी की फोटो खींची थी उसने, तो उसने कंप्लेन कर दी थी। उस कैंप के बाद इस शहर में तुमने उसे कहीं देखा क्या? नहीं। वैसे प्रॉब्लम क्या है सर? तुमसे मिला ये हमें बताया गया। किसने? वरुण ने। हाँ वही। नहीं सर, वरुण झूठ बोल रहा है। इस महीने की 2 तारीख को वरुण तुम्हारे घर आया था क्या? मेरे घर पर नहीं तो। कौन सी तारीख कही आपने? इसी महीने की तारीख है, मतलब अगस्त महीने की 2 तारीख यानी शनिवार। अभी समझ में आया ना? उस दिन तो हम लोग घर पर ही नहीं थे। तुम कहाँ गई थी? थोटापुलम के पराई पल्ली में एक ध्यान केंद्र है, हम लोग वहीं गए थे। कौन कौन गया था? पापा, मम्मी, मैं और छोटी बहन। और सब लोग वापस कब आए? 2 दिन के बाद वापस आ गए। तो ध्यान 2 दिन का था? नहीं, ध्यान तो सिर्फ 1 ही दिन का था। फिर उस रात को हम लोग एक होटल में रुक गए थे, दूसरे दिन मूवी देखकर वापस लौटे। प्रॉब्लम क्या है सर? ये वरुण नाम का लड़का कुछ दिनों से मिसिंग है। 2 तारीख को ये लड़का हमारे एरिया में आया, इसका सबूत मिला। ये लड़की उसे पहचानती है, इसलिए हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। नहीं सर, कैंप के बाद मैंने वरुण को नहीं देखा। ओके, थैंक यू। यू वेलकम सर। तुम क्लास में जाओ अंजू। आप जॉर्ज की पत्नी हैं? हाँ सर। क्या जॉर्ज, अचानक इस वक्त तुम घर पर? आप स्कूल में गए थे, ये प्रिंसिपल ने इसे फोन पर बताया। ये डर गई थी, इसने मुझे बुलाया। मैं पुलिस स्टेशन गया था, आप बाहर थे, इसलिए मैं यहाँ चला आया सर। बात क्या है सर? आपसे मुझे कुछ बात करनी है। अंदर चले ना। जॉर्ज, आप इस लड़के को जानते हैं? नहीं सर। आप जानती हैं? नहीं सर। इस गाड़ी को कहीं देखा क्या? नहीं सर। और आप? नहीं। जॉर्ज, मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ, कोऑपरेट करो। मैं आपका पूरा साथ दूंगा सर। इस फोटो में जो लड़का है वो वरुण प्रभाकर है, आईजी गीता प्रभाकर का इकलौता बेटा है। पिछले 25 दिनों से लड़का मिसिंग है। नेचर क्लब में, स्टेट कैंप में आपकी बेटी से पता चला कि वो उसे जानती थी। अभी मैंने आपको दिखाया मारुति जैन, इस गाड़ी से वो शहर में आया था, ऐसा मुझे सबूत मिला है। ये कार पिछले महीने बुल्लाईचेरी पारीमड़ी के तालाब से पुलिस को बरामद हुई है। हमारा यहाँ आने का 2 ही कारण है, एक तो आपकी बेटी वरुण को पहचानती थी, दूसरा आप उस गाड़ी को चलाकर गए थे, ऐसा सहदेव ने देखा है। जॉर्ज, लगता है तुम्हें अच्छी तरह से याद नहीं, तुम थॉमस के घर के बाहर से इसी कार को लेकर गए थे, मैं वहीं था, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था। हम पुलिस वाले हैं, हमने पता लगा लिया है, उस दिन वो लड़का इसी घर में आया था। हम लोग अगस्त की 2 तारीख को यहाँ पर थे ही नहीं, हम लोग ध्यान केंद्र में जाकर 3 तारीख को वापस लौटे थे। बस सब कुछ पता चल गया, अभी किसी सबूत की जरूरत नहीं है सर। हाँ
हंसकर छुपाने की कोशिश मत करो। उस लड़के के यहाँ आने की डेट और तुम्हारे कार ले जाने की डेट दोनों मैच कर रही हैं, और यही बात तो तुम्हारी बीवी भी कह रही है। जॉर्ज तुम क्या सोच रहे हो? मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। हम पुलिस से आखिर डरेंगे क्यों? ये यहाँ अकेले घर में पड़ी हुई है, क्या हुआ होगा इसे कुछ भी नहीं पता है। मैंने अभी यहाँ आते ही आपको बताया ना सर, प्रिंसिपल ने इसको फोन किया था। एक केस के सिलसिले में आप लोग वहाँ स्कूल गए थे और वहाँ आपने अंजू को बुलाया, उसे केस के सिलसिले में पूछताछ की। प्रिंसिपल ने इसे फोन पर बताया। आजकल के स्कूल की हालत तो आप जानते हैं ना, किसी स्टूडेंट से अगर पुलिस केस में पूछताछ की जाए तो उसके नाम के आगे रेड मार्क लग जाएगा, इसलिए हम लोग डरते हैं। अब उसी प्रिंसिपल ने आपने जो भी सवाल पूछे हैं वही सवाल उसने इससे भी पूछे, इसी डर से तो इसने मुझे बुलाया, तभी तो हम लोग डेट के बारे में जान पाए। अगस्त महीने की 3 तारीख की रात को सहदेव आपसे मिला था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ भला सर? ऐसा क्यों? अब सर, सहदेव के साथ मेरा कैसा रिश्ता है ये बात तो गांव के सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सहदेव ने मुझे ऐसा बताया, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। तो मैं बताता हूँ सर, सहदेव ने मुझे उस दिन देखा था, ये बात वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, या फिर उसकी आंखें खराब हो गई हैं सर। क्योंकि अगस्त महीने की 2 तारीख शनिवार को रात 8 बजे से अगस्त महीने की ही 3 तारीख तक मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तोटापुला में था सर। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने इसी आदमी को देखा था वहां। 2 तारीख को यहां से जाने से लेकर 3 तारीख को वापस लौटने तक मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। बताता हूं सर, अगस्त महीने की 2 तारीख यानी शनिवार को हम लोग यहां से निकले थे सर। तुम जब वापस आए तो बारिश हो रही थी क्या? हाँ सर, अच्छी बारिश हो रही थी। बारिश में भीगने से तो बच्चों को सर्दी और जुकाम हो गया था सर, 2 दिन बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। इसके बावजूद भी हम इसे बेगुनाह नहीं मान सकते सर, मुझे लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है। अपना खून पसीना बहाकर मेहनत करके अपने परिवार को चलाता हूँ सर, हर महीने के खर्च का बिल हम अपने पास रखते हैं, आपको चाहिए तो मैं बिल दिखा दूं। ठीक है, ऐसा ही सब आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। यहाँ कितने एकड़ जमीन है जॉर्ज? 5 एकड़ है सर। ठीक है। मुझे लगता है मैंने तारीख बताकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। फिर भी हम लोगों ने उन्हें जो बिल दिखाया उससे उन्हें थोड़ा बहुत तो विश्वास हो गया, ठीक है ना जॉर्ज? उसके दिए हुए सबूत से पता चलता है तुम्हारी सारी बातें झूठी हैं। ये सच है सर, मैंने उसे वहां देखा था। जॉर्ज को उठाकर थाने में लाएंगे ना सर, तो वो सब कुछ उगल देगा। कुछ भी हो, हमें अजी से बात करना होगा। नहीं सर, हम पहले उसे पकड़ कर लाएं और उसे सच उगलवा लें तो ही मिलना बेहतर रहेगा। पापा, हमारी बातों पर पुलिस को यकीन हुआ होगा क्या? मुझे नहीं पता बेटी। पुलिस वाले फिर से आएंगे पापा? हाँ आएंगे। उसका नाम क्या बताया तुमने? जॉर्ज कुट्टी। वो जो गाड़ी चला रहा था वो वरुण की ही थी, तुम्हें पक्का पता है? मैंने नंबर तो नहीं देखा मैडम, लेकिन वो गाड़ी मारुति जेन ही थी, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। आप पक्के तौर से कह सकते हैं कि गाड़ी मिस्टर जॉर्ज चला रहे थे? यस सर, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। लेकिन वो तो 2-3 तारीख को टेट्टापुल्ला में था, ऐसा उसने कहा था। मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहा है सर। उसने आपको सारे सबूत दिखाए फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं? सर, होटल बिल्स, बस टिकट्स, ये सब दिखाया, ये सच है सर। ये कितना जेन्युइन है ये बात हम कह नहीं सकते सर। अगर ये आदमी सच कह रहा है तो जॉर्ज कुट्टी ने जो एविडेंस दिया है वो फेक है। हमें इस केस की बहुत अच्छी तरह से जांच करनी होगी, क्योंकि उसने हाई स्कूल भी पास नहीं किया है और गांव के एक साधारण स्कूल से पढ़ाई की है। उसने जो भी सबूत दिखाए हैं उसमें जरूर कुछ न कुछ कमी तो होगी। एक काम करो, जॉर्ज कुट्टी और उसकी बीवी और बच्चों को गवाही के लिए यहाँ लाओ। यस मैम। प्रोटोकॉल मत देखना, आप लोग जा सकते हैं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सुलेमान काका, सोमू क्यों घबराए हुए लग रहे हो? हमारे जॉर्ज कुट्टी के परिवार को पुलिस उठाकर ले गई है। हे भगवान। सुबह 5:30 बजे की बस से हम लोग गए थे सर। जिस बस से गए उसका टिकट क्यों नहीं है आपके पास?
जॉर्ज के दोस्त की बस है ना, इसलिए हमसे पैसे नहीं लिए। आप कब ध्यान केंद्र में गए थे? 8:30 बजे होंगे। ध्यान तब उसी वक्त शुरू हुआ ही था। तकरीबन 8:30 के आसपास ध्यान शुरू हो चुका था। तुम लोग ध्यान केंद्र में कब गए थे? अगर सारी बातों का हम एक ही जवाब दें तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे किस समय, मैं और तुम्हारी माँ बिल्कुल सही समय बताएंगे, लेकिन तुम दोनों बच्चों को सही समय नहीं पता। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, हम पहुंचे तो ध्यान शुरू हो चुका था। बेबी, ध्यान केंद्र में जाने के बाद ध्यान कब शुरू हुआ था? पुलिस वाले उल्टा सीधा सवाल करेंगे, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया है उसे अपने मन में रखकर जवाब देना तुम लोग। नहीं, हमारे जाने से पहले वहाँ ध्यान शुरू हो गया था। लेकिन बेबी के माँ बाप ने कहा कि वहाँ ध्यान तब तक खत्म हो गया था। ऐसा भी हो सकता है पुलिस वाले तुमसे ये कहें कि माँ ने ऐसा कहा है और पापा ने ऐसा कहा है, लेकिन ध्यान रहे, उनकी बातें सुनकर तुम अपनी बातें बिल्कुल मत बदलना। नहीं, हमारे जाने से पहले ही ध्यान शुरू हो गया था। पता नहीं अंदर उनसे क्या पूछताछ कर रहे होंगे। आइए पापा। क्या हुआ, आखिर प्रॉब्लम क्या है सुलेमान भाई? हमें तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। देखिए, हमें अंदर जाने दीजिए। हम अभी किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। ये जॉर्ज के मां-बाप हैं। देखो, कोई भी हो अंदर नहीं जा सकते, ऊपर से ऑर्डर है। अरे ऐसे कैसे जवाब दे रहे हैं आप? मेरे दामाद को आपने अंदर रखा हुआ है। देखो, लफड़ा मत करो, जाओ यहां से, जाओ अंदर, जाओ 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 जाओ। बोला नहीं गेट खुलेगा, चलो निकलो यहां से, जाओ। हमारे बच्चे हैं। और फिर हम एक होटल में गए और खाना खाया। कौन से होटल में? नाम तो नहीं याद है। क्या खाना खाई थी बेटा? बिरयानी। और माँ बाप ने क्या खाना खाया था? उन लोगों ने भी बिरयानी खाई थी। लेकिन तुम्हारी दीदी कह रही है कि सब लोग फ्राइड राइस खाए थे। वो दीदी भूल गई होगी शायद, हमने तो बिरयानी ही खाई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। हेलो मिस्टर सुरेश। यस मैम। पर ऐसा किसने कहा? नो 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 नो, आई एम इन अ मीटिंग, आई विल गेट बैक। ये एशियानेट चैनल वाले हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपनी पुलिस फोर्स ला के पूरे परिवार को अरेस्ट मत करो, लेकिन तुमने नहीं मानी। जस्ट लीव इट मिस्टर सुरेश। मैडम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हम जैसा सोच रहे वैसा नहीं है मैडम, दे आर वेरी टफ, उनकी बातें एक जैसी लगती हैं, सब सोच समझ कर बोल रहे हैं मैडम, खासकर उसकी छोटी बेटी, हम उस बच्ची से सच उगलवा सकते हैं मैडम। दैट्स इट, ये बच्चियां बहुत स्मार्ट हैं, इनकी बातों से तो कोई शक ही नहीं हो रहा। मुझे शुरू से लग रहा था मैडम। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच कह रहा हो और ये लोग झूठ कह रहे हो। नो नो, पर एक बात तो पक्की है, they know something about Varun। लेकिन गीता, उनके स्टेटमेंट्स को तो देखा ना तुमने? It's a cooked up story। अच्छी तरह से बनाई हुई कहानी है ये, but it won't sell here। मैडम, ये लोग जो कह रहे हैं ना, सब झूठ बोल रहे हैं, अगर इन्हें लाई डिटेक्टर के पास ले जाए तो। तुम्हें पुलिस में भर्ती किसने किया? ये टेस्ट करवाना इतनी आसान बात नहीं है, उसके लिए नियम के अनुसार कोर्ट के ऑर्डर चाहिए। हम कोर्ट के ऑर्डर ले लेते हैं ना। सी प्रभाकर, नियम क्या कहता है, कोर्ट को इस बात का पक्का सबूत चाहिए, और यहाँ सारे सबूत उनके पक्ष में हैं। पर उनसे सच्चाई उगलवाने के लिए मेरे पास एक रास्ता है, उस कहानी के सारे गवाह यहाँ होने चाहिए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना सुरेश? समझ गया मैडम। एक और बात चेक कर सकते हैं, अगर 2 अगस्त को वो ध्यान केंद्र में नहीं गया, मतलब वो इसी शहर में था, और अगर वो इसी शहर में था तो ऑफिस तो जरूर गया होगा। गया होगा मैडम। कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ वो जॉर्ज हर रोज जाता होगा। हाँ मैडम, पुलिस स्टेशन के सामने एक होटल है, वहाँ वो हमेशा आता रहता है। वेरी गुड, ऑफिस स्टाफ और होटल वाले को फौरन यहाँ बुलाओ। यस मैडम। एंड वन मोर थिंग, हमने उसके परिवार वालों की बताई हुई कहानी पर विश्वास कर लिया है, ऐसा उसे यकीन दिला दो। यू गेट मी? यस मैडम। सच बताऊं तो मैं पुलिस के सामने बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया, अब तो सब खत्म हो गया ना। रानी। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। वो लोग दोबारा आएंगे। वो
फिर आएंगे। मैं सच कह रहा हूँ जीजा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे तो खुल के बता सकते हैं ना। हर परिवार में ऐसा कोई ना कोई राज जरूर होता है जिसे परिवार का हर कोई नहीं जानता, इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कि तुम भी इसके बारे में जानो। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे क्या करना है? जॉर्ज कुट्टी को मैंने उसके बचपन से देखा है, वो बहुत ही सीधा साधा है, बहुत अच्छा इंसान। मैंने उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। इस महीने की 2 तारीख को कितनी बार आया वो जवाब दो। वो जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। इस महीने की 2 तारीख को जॉर्ज कुट्टी आपकी दुकान में कितनी बार आया था? वैसे तो वो 2 बार आता ही है, दिन में चाय पीने और रात को भी चाय पीने, लेकिन कुछ दिनों से वो नहीं आ रहा है। कारण क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। आपको ऐसा कहने के लिए कहा गया है क्या? 2 तारीख को वो 2 बार तो आया ही होगा ना। नहीं 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 सर, 2 बार नहीं आया। इस महीने की 2 तारीख को तो जॉर्ज कुटिया था ही नहीं, वो तो टट्टूपुली में कोई अपने चर्च में ध्यान लगाने गया हुआ था। अच्छा, ध्यान के बारे में बताया था, क्या बताया था? सर मैं भूल गया था, पिछले दिनों उसने मुझे बताया था कि वो ध्यान लगाने जाएगा। जॉर्ज कुटी ने ध्यान के बारे में क्या बताया था? यही कि वहाँ अच्छे से ध्यान लगाया और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसका प्रसंग हमें सुनाया था उसने। और क्या बताया उसने? शत्रु राज्य में एक प्यार और स्नेह से भरे हुए राजा की कहानी। ध्यान से जॉर्ज कुटी कब लौट करके आया? दूसरे दिन। कितने बजे आया? वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन वो ऑफिस नहीं आए थे। ध्यान में जाने से पहले उसने तुमसे फोन पर बात की थी क्या? हाँ, फोन पर बात हुई थी ना। कितने बजे हुई थी? 9 से 10:30 के बीच में। तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? वो मैं 9 बजे ऑफिस में ही था। 9 बजे अक्सर कस्टमर्स के कॉल आते हैं ना, इसलिए मुझे याद है। जॉर्ज कुटी ने तुमसे बात क्या की थी वैसे? पैसे का कलेक्शन ऑफिस में मत रखना, घर लेकर चले जाना। इसे जानते हो तुम? जी मैडम। वो यहाँ से आपके बस में यात्रा कर रहा था क्या? जी हाँ, कुछ 4-5 दिन पहले। ये 4-5 दिन क्या, वो कब यात्रा कर रहा था? वो तो हाँ, इस महीने की 2 तारीख को कर रहा था। वो लोग कहाँ जाने की बात कर रहे थे? वो लोग किसी ध्यान केंद्र में जाने की बात कर रहे थे। ये लोग आपके लॉज के रूम में ठहरे थे, क्या ये सच है? हाँ सर। ये आपके रेगुलर कस्टमर है क्या? नहीं सर। तो फिर तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हो? मुझे एक डबल रूम चाहिए। डबल रूम का 650 रुपए प्लस टैक्स। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, टैक्स मत लगाओ, मुझे बिल की जरूरत नहीं। बिना बिल के रूम हम कैसे दे सकते हैं? मुझे बिल नहीं चाहिए। सुनी, यहाँ फैमिली रह सकती है क्या? वरना हम दूसरी जगह चले जाते हैं। इस लॉज में रोज फैमिली आती है मैडम। फिर मैंने उन लोगों को रूम दिखाया था सर, उसके बाद वो लोग मान गए थे सर। उनकी हरकतें कुछ अलग लग रही थी क्या? मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया उन पर। वो लोग वहाँ क्यों आए थे क्या तुम्हें बताया? वो लोग किस लिए आए थे ये तो नहीं बताया। तुमने इसका रजिस्टर चेक किया? किया था मैडम। उनके रेंटर रजिस्टर में जॉर्ज कुटी की एंट्री नहीं थी मैडम। अगस्त 2 तारीख को चेकिंग करके अगले दिन 9 बजे चेकआउट कर गया था। ये 2 रजिस्टर किस लिए? तो गूंगा है क्या, जल्दी जवाब दे। बिल वालों का अलग रजिस्टर है सर, और बिना बिल वालों का दूसरा रजिस्टर। ऐसा करना कानून के खिलाफ है, क्या तुम जानते नहीं हो? आपने इसे बड़ी जल्दी पहचाना, मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसा क्यों है? अच्छे कस्टमर को हम कभी नहीं भूलते मैडम। आप इस होटल के मालिक हैं क्या? क्यों, आपने ऐसा क्यों पूछा? इतने दिन हो गए लेकिन इतनी अच्छी बिरयानी आज तक नहीं खाई। इस शहर में सबसे अच्छा होटल हमारा ही है सर। सिर्फ खाने की बात नहीं है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और सर्विस भी अच्छी है, ऐसा मैंने देखा। बिल लो। थैंक यू सर। क्या करते हैं? एक छोटा सा बिजनेस है, बस चल रहा है। बिरयानी सुपर्ब थी अंकल। अच्छा, थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? अनु। हाँ, किस क्लास में पढ़ती हो? 6th। तो अब आप लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं? वहाँ पारंपल्ली में ध्यान शिविर लगा ना, वही जा रहे हैं। हाँ हाँ, चलते हैं। ठीक है। तुम्हें कस्टमर की बात याद तो होगी, क्यों वो वहाँ क्यों आया, किस लिए आया था, ये सब याद रखना वैसे इतना आसान तो नहीं है। वैसे उसने कुछ तो कहा होगा, याद करो। वो उन लोगों ने खुद मुझे बताया था सर, बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसे। तुम जाकर बाहर बैठो। ये क्या है, अगर वो 2nd और 3rd अगस्त को यहाँ पर था ही नहीं तो इस आदमी से कैसे मिला होगा? हाँ, ये मैडम मुझे कंफ्यूज कर रहा है। गीता, उसकी बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, उस दिन मैंने जॉर्ज को पक्का देखा था।
अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ध्यान करवाने वाले उस फादर से कॉन्टेक्ट करो। वो दिल्ली गए हैं, आज वो आ जाएंगे। कॉल हिम। मैडम की बातों से ये लगता है वो मेडिटेशन में आया था, क्योंकि जो कहानी मैंने वहां सुनाई थी वो कहानी मैंने उस मेडिटेशन सेंटर में पहली बार सुनाई थी, तो वो कहीं और से नहीं सुन सकता। ऐसा भी हो सकता है कि ध्यान में गए हुए लोगों से पता किया होगा। इतना डिटेल में बताना तो मेरे लिए मुश्किल है मैडम, मुझे ऐसा नहीं लगता। दो टिकट देना। पापा कहाँ है? हाँ, ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। मैं अपने यहाँ एक डिजिटल थिएटर बनवाने की सोच रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा है, अभी तो डिजिटल का जमाना आ गया है और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही कम लगती है। पापा, ये मेरा परिवार है। ओ, नमस्ते। ये बताओ वो कौन सी तारीख को आए थे? इस महीने की 3 तारीख को। ये बात तुम कैसे बोल सकते हो? मेरे प्रोजेक्टर रूम से ही वो लोग फिल्म देख रहे थे सर, वो कहीं ध्यान पर गए थे ऐसा उन्होंने बताया, वो कहीं लॉज में ठहरे थे ये भी मुझे बताया, बस इतना ही पता। जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। गीता, वरुण कहाँ गया होगा? अरे उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, तुम चिंता मत करो, रो मत, हिम्मत से काम लो। गीता, गीता, तुम्हें ऐसा तो लग रहा है ना कि जो जांच हो रही है उसका डायरेक्शन एकदम सही है? Yeah, I think so. लेकिन अब तक जो भी सबूत मिले हैं वो सब उसके पक्ष के हैं, हमारे पक्ष का हमें अब तक एक भी सबूत नहीं मिला है। सी प्रभाकर, सबूत के लिए मैं पूछताछ नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वो अपने परिवार को बचाने के लिए हम लोगों से कुछ छिपा रहा हो और हमें गुमराह करने के लिए हमसे झूठ कह रहा है, पर हमें पता चल जाता है बिकॉज वी आर ट्रेन फॉर दैट। यहाँ सारे सबूत उसके पक्ष में है, बट ही इज लाइंग, आई कैन फील इट। लेकिन मैं एक बेटे की माँ भी हूँ जो जिसका मन घबरा रहा है। गीता, मुझे लगता है हम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, सिर्फ 4th क्लास तक पढ़ाई तो की है पर उसका दिमाग बहुत तेज है। जॉर्ज कुटी बहुत अच्छा इंसान है मैडम। उसकी हिस्ट्री मैंने निकाली मैडम, वो 35 साल पहले यहाँ आया था, उसका बिजनेस वीडियो लाइब्रेरी, गाड़ी हायर करना, भाड़े पे देना, रियल एस्टेट, ऐसा उसका बहुत सा बिजनेस है मैडम। वो आदमी फिल्मों का शौकीन है, सारी फिल्में वो देखता है। 4th क्लास तक पढ़ा है वो, मलयालम, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, वो सब भाषा जानता है, सारी भाषा फिल्म देखकर ही सीखा है मैडम। एक साधारण आदमी ऐसा कर सकता है क्या मैडम? सिनेमा, इट्स एन इंपॉर्टेंट लिंक। टिकट, टिकट। हर दिन तुम्हारी बस में बहुत सारे लोग सफर करते हैं, इसलिए एक परिवार को याद रखना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा याद करके बताओ कि वो अपने परिवार के साथ तुम्हारी बस में बैठा या नहीं। सुनो, 3 तारीख को वो तुम्हारी बस में सफर कर रहा था, 2 तारीख को ध्यान खत्म करके वापस लौटा, उसने जो बातें कही वो तुम्हें 25 दिन के बाद भी याद है, वो बातें तुम्हें कैसे याद है ये मैडम पूछ रही है। उस दिन की बात तो मुझे ठीक से याद नहीं है सर। तो ध्यान और 2 तारीख की बात अभी जो तुमने हमें बताई? नहीं, वो पिछली बार जब वो मिले थे तब उन्होंने बताया था। पिछली बार मतलब? यही कुछ 3-4 दिनों पहले। कहाँ मिला था? अंकल? अरे सब लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं क्या? जॉर्ज, आप भूल गए क्या? पिछले महीने की 2 तारीख को हम ध्यान केंद्र में गए थे, 3 तारीख को लौट रहे थे, उसी बस के कंडक्टर थे ना ये? अभी आया है, 2 तारीख को ध्यान खत्म करके 3 तारीख को लौट रहे थे, उसी बस के कंडक्टर ना? माफ करना, मैं भूल गया था, चलते हैं, जरा काम है। चलो ठीक है, ठीक है, हमें देर हो रहा है। फिल्म शुरू हो गई? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, आप अकेले आए हो, फैमिली नहीं लाए? अभी अकेले ही आया हूँ, पिछले 2 तारीख को ध्यान केंद्र में आया था तब फैमिली के साथ आया था,
अभी फैमिली के साथ आता तो बहुत खर्च होता। पिछले महीने की 3 तारीख को शॉपिंग करके, फिल्म देखकर, उसके बाद फिर खाना खाकर वापस गए थे हम लोग। अब सोचो जरा, इसमें खर्चा कम थोड़े ना होता है। अरे मुरली, पिछले महीने जब हम लोग ध्यान में जा रहे थे तब उस वक्त तुमने हमें टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस बार तो टिकट दे दो। अरे क्या जोश भाई, रहने दो। नहीं मानूंगा। नहीं टिकट देना ही होगा। दो। अच्छा ठीक है। नमस्ते। नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आए। बहुत दिन कैसे हुए? इस महीने की 2 तारीख को ध्यान केंद्र से लौटकर हमने दूसरे दिन यही खाना खाया, सही कहूं तो अगस्त की 3 तारीख को। मैंने सब कुछ सच कहा है मैडम। नहीं, 3 दिन कैसे नहीं हुए? ध्यान केंद्र से लौटने के बाद अगले दिन ही मैंने तुम्हें बुलाया था। ध्यान केंद्र हम लोग कब गए थे? अगस्त 2 तारीख शनिवार के दिन गए। हाँ। थे कब गए थे हम लोग? 2 अगस्त शनिवार को गए थे। 3 तारीख को हम लोग यहाँ वापस लौट आए, जिसके बाद वाला दिन क्या हुआ? वो हो गया अगस्त 4 तारीख का सोमवार का दिन। इस टैक्स को भर देना चाहिए था ना। अब ये हुआ कि राजा का मन जो था वो पूरी तरह से बदल गया और उसलिए उसने हम लोगों को माफ कर दिया। अच्छी कहानी है। वैसे जॉर्ज कुट्टी, तुम्हें ये बात कैसे पता? हम लोग जहाँ ध्यान केंद्र में गए थे ना 2 तारीख को, हाँ इसी महीने के शनिवार को यानी 2 तारीख, वहां फादर ने हमें ये कहानी सुनाई। हेलो, हाँ मैडम का नंबर नहीं है। हाँ इस नंबर से कॉल किया था। कौन है? कॉल करने वाले फादर काचरपल्ली हैं। Tell me, father. सीडी? देखिए मैडम, जो भी लोग हमारे मेडिटेशन सेंटर में आकर के दान देते हैं उन्हें हम सीडी देते हैं, पर एक अजीब बात है कि लिस्ट में उनका नाम कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। तो फिर किसी और के नाम से सीडी बुक किया होगा। हो सकता है ये सही हो, लेकिन 2 और 3 तारीख को जो सबूत मिले हैं उनसे ये बात पक्की होती है कि वो इस शहर में बिल्कुल नहीं था। 2 तारीख को ध्यान केंद्र में गए थे और इस महीने की 2 तारीख को वो ध्यान करने गए थे। पिछले महीने जब हम लोग ध्यान में जा रहे थे तब उस वक्त तुमने हमें टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस बार तो टिकट दे दो। नहीं नहीं इस बार मैं नहीं मानूंगा, इस बार तो तुम्हें टिकट देनी ही होगी। He just recreated that day. What? Don't you get it? He just recreated that day. August 2nd, 3rd को सबको वापस याद दिलवाया। फिल्म की कहानी क्या है? दृश्यम। एक दृश्यम जो मन की गहराई में याद रहे, फिर कुछ और याद नहीं रहेगा। 2nd, 3rd August को जो हुआ वो उनके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी। They really executed it. वो और उसकी फैमिली वहां जरूर गए होंगे, लेकिन हमारे इंटरोगेशन में हमें कोई सबूत नहीं मिला। 2 और 3 तारीख को उसने यात्रा की ये बात तो 2nd और 3rd August की यात्रा उसने किसी और दिन रिक्रिएट की होगी। हो सकता है उसके दूसरे या तीसरे दिन। दूसरा तीसरा दिन बताएं तो सोमवार मंगलवार। मैडम सोम मंगल और बुधवार उसकी बेटियां स्कूल नहीं गई थी। हमने पूछा था मैडम, ध्यान खत्म होने के 2 दिनों के बाद तक बारिश में भीगने के कारण बीवी और बच्चे बीमार हो गए थे। जॉर्ज ने हमें बताया था, यहाँ तक कि जिस मेडिकल शॉप से दवा ली थी उसका बिल भी दिखाया। वो बिल भी फेक है। मेडिकल शॉप से बिल लेना कोई मुश्किल काम है क्या? वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन 2 तारीख को लॉज की बुक, बस का टिकट, KRSTC का बस टिकट, सिनेमा टिकट, वो सब कैसे फेक हो सकता है? वो तो सब ओरिजिनल है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैडम। जॉर्ज कुट्टी ने सिर्फ 4th class तक पढ़ाई की है, ये सोचकर हमने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। आई नो हाउ ही डिड इट। 3 तारीख को जॉर्ज कुट्टी वरुण की कार लेकर टाटा पुल्ला गया। वहाँ एक वेजिटेरियन होटल से उसने खाना लिया और वहाँ से एक मोबाइल भी खरीदा। वरुण का सिम कार्ड मोबाइल में डालकर उसने उस फोन को नेशनल परमिट वाले ट्रक के ऊपर फेंक दिया। उसके बाद उसने उस कार को बारामडी के तालाब में डुबो दिया। फिर रेस्टोरों में जाकर उसने किसी और कस्टमर के 4 बिरयानी का बिल चोरी कर लिया। और उसी दिन टोटापुल्ला के थिएटर से उसने 4 मैटिनी शो के टिकट लिए, फिर KRSTC बस के 4 टिकट लिए और अपने गांव आ गया।
रात में ऑफिस में जाकर मैं कल ध्यान केंद्र जा रहा हूँ ऐसा मनीष को बताया, और 4 तारीख को मुरली की बस में गया और हम ध्यान में गए थे ऐसा उसे याद दिलवाया। रात को 9 बजे पारीपल्ली चर्च में बहुत देर तक उसने प्रार्थना की। उस समय और सीडी के बारे में जानकारी मिली और किसी और के नाम से सीडी बुक की। लॉज में जाकर जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार ने कुछ देर तक मैनेजर से बात की। 2 तारीख को रूम अपने नाम से बुक किया और फिर 4 तारीख को दूसरे के नाम से बुक किया। रात में परिवार के साथ खाना भी खाया। 3 तारीख रात को पार्सल लिया होटल से। 4 तारीख को जॉर्ज कुट्टी ने पार्सल लिया और चेकआउट करने के बाद रेस्टोरेंट में जाकर बिरयानी खाई, और उसे याद रहे इसलिए उसकी छोटी बेटी ने उस बिरयानी की तारीफ भी की। उसके बाद सिनेमा थिएटर वाले प्रोजेक्ट ऑपरेटर के पास गया। उसके बाद गांव जाने वाली बस में बैठकर कंडक्टर से अपना इंट्रोडक्शन दिया, और उसके बाद घर जाकर फादर काचरपिल्ली की सीडी अपनी फैमिली के साथ देखी ताकि गवाही देते समय उनसे कोई गलती ना हो। 5 तारीख के सारे बिल फेंक दिए और हमें वही सारे बिल दिखाए जो 3 तारीख के थे, और 4 दिन के बाद फिर से वापस जाकर वही तारीख फिर से याद दिलवाई। इतनी कम पढ़ाई करने के बावजूद उसने एक बहुत अच्छी कहानी बनाई। He is mocking at the entire police department. लेकिन उसे झूठा साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ शक है बस। गीता, हो सकता है तुम सही कह रही हो, तो हमारा बेटा वरुण का है, वो उसे लेकर क्यों गया होगा? इसका जवाब हमें उसके ही मुंह से उगलवाना पड़ेगा। चलो चलो, अभी सब पता चल जाएगा। चलो 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 चलो, 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 चलो। गाड़ी में जल्दी चलो, चलो गाड़ी में बैठो। सब क्या है? ये क्या? ये क्या? चलो 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 चलो। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर पुलिस वाले हमें दोबारा उठाकर ले जाते हैं तो राजेश तुम्हें कुछ लोगों को बुलाना होगा। हेलो, एशियानेट न्यूज। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे नहीं पता है मैडम, मैंने बताया उस समय हम लोग घर पे नहीं थे। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें लगता है पुलिस वाले बेवकूफ हैं? तुम्हारे इकट्ठा किए हुए सारे सबूत झूठे हैं, ये हमें पता चल गया है। मेरा बेटा तुमसे मिलने क्यों गया था? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे, बताओ। कैंप के बाद मैं वरुण से कभी नहीं मिली। मुझसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं, समझी? अगर सच सच बता दोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना सच उगलवाने के और भी रास्ते हैं। मैं सच में कुछ नहीं जानती मैम। तुम तो बता दो कि सच क्या है। हम सच बोल रहे हैं मैडम, हम कुछ नहीं जानते। हम उस दिन तो सदैव। यस मैडम। कहाँ है मैडम का बेटा? बस करो। अब बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है।
नहीं जानते मैडम। वरुण के फ्रेंड एलेक्स को लेकर आए, इन्हें रोकने के लिए कहो ना। रुको, बस करो, बहुत हुआ, चलो कम से कम। तेरी तो हटो यहां से, चलो जाओ। सर लेकिन ये, मैंने कहा यहां से जाओ। ए जॉर्ज कुटी, तुम अगर उस लड़के के बारे में जानते हो तो मुझे बता दो, क्यों बेकार में मार खा रहे हो? हम कुछ नहीं जानते सर। क्या प्रॉब्लम है बेटी, जो भी है हमें सच सच बता दो। इस लड़की को जानते हो? मैं नहीं जानता आंटी। एलेक्स, तुम और वरुण कैंप में एक साथ गए थे, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। वरुण गायब है और इस लड़की का इससे कोई ना कोई संबंध है, तो तुम जो कुछ भी जानते हो वो हमें बता दो तो हमें फायदा होगा, वरना तुम्हें पता है कि पुलिस इंटरोगेशन कैसे करती है, तुम जानते हो इस बात को। सच में मुझे कुछ नहीं पता अंकल। जिस दिन से वरुण गायब हुआ है उसके फोन से लास्ट कॉल तुम्हें ही किया गया था, ये बात हम जानते हैं। पिछली बार तुमसे पूछा था तब तुमने मना कर दिया था, पर इस बार नहीं बताया तो। आंटी मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि वरुण कहाँ पर है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ठीक है, इस लड़की और वरुण का क्या रिश्ता था ये तो तुम जानते हो ना? साफ साफ बताओ। बताता हूं, आराम से आराम से। सुनना, मेरे फोन में भेज दे यार। सॉरी, इसे तो मैं तुझे नहीं भेज सकता। ऐसा मत कर भाई, प्लीज यार भेज दे। सॉरी भाई, ये वीडियो नहीं भेज सकता, ये ही तो मेरी लॉटरी है। मैडम, बाहर काफी लोगों की भीड़ जमा है, कैसे आए पता नहीं, उनके साथ चैनल वाले भी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं मैडम। मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती, किसी भी हॉल में कोई अंदर नहीं आना चाहिए, ज्यादा कुछ हो तो फोर्स को बुला लेना। यस मैडम। चलो गीता, आगे जो कुछ भी हो उससे हमारी इमेज खराब हो। यस, इट्स टाइम टू एंड दिस। सब लोग बाहर जाओ। सहदेव, तुम उस कोने में खड़े हो जाओ। तुम्हारे वीडियो की कहानी हम जानते हैं, मेरा बेटा कहाँ है? हम कुछ नहीं जानते हैं मैडम, सच कह रहा हूं मैं। सहदेव। यस मैडम। मुझे सच्चाई जाननी है, समझ रहे हो ना? बता बता मैडम का बेटा कहाँ है? जान ले लूंगा मैं। घर बार मिलकर नाटक कर रहे हैं। नहीं बताएगी।
अगर उसे मैंने मारा तो वो जान से मर जाएगा। अगर अपने बाप को बचाना चाहती है तो सच बता दे, नहीं तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सच बता दे। जल्दी बोल, बोलती क्यों नहीं? सहदेव। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो तुम्हें जो भी पता है प्लीज हमें बता दो। अनु बेटी कहाँ है? अरे मेरी बेटी का। आप रुको, ध्यान से देखो इसे। इस फोटो में दिखने वाले को तुम जानती हो क्या? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। अगर तुम सच सच बताओगी तो ही अपने माँ बाप से मिलने पाओगी। चलो बताओ, वरना मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। चलो बोलो, जल्दी बताओ। नहीं पापा, हम सब कुछ बता देते हैं, वानू को बहुत परेशान करेंगे। वो आदमी तो शैतान है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं गुनाह कबूल कर लेती हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। आखिर हमने इतनी मुश्किलों का सामना क्यों किया बताओ? अब तक सिर्फ मार खाई है। तुम लोगों में से किसी को जेल नहीं जाने दूंगा, मेरा वादा है। अगर हमने बातें बदल दी तो हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अनु बेटी को कुछ नहीं करेंगे उसे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अनु को हमारे पास लेकर आएंगे। फिर से नाटक कर रही है? मैं कुछ भी नहीं जानती अंकल, मुझे मेरी मम्मी से मिलना है। गीता लेट्स स्टॉप दिस, हम यहीं पर इस खेल को खत्म कर देते हैं। हम जो कर रहे हैं वो नियम के खिलाफ है। तो हमें हमारे बेटे को ढूंढना नहीं है क्या? हम ढूंढेंगे, लेकिन किसी और तरीके से। इस बच्चे ने क्या किया है? तुम इतनी छोटी बच्ची को हैरेस कर रही हो, और अब तक जो किया उससे कुछ हासिल हुआ? हो सकता है वो सच में बेगुनाह हो। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? हमारी वजह से ये आदमी अपनी दुश्मनी निकाल रहा है उनसे। से मार दूंगा तुझे। स्टॉप इट। नहीं अंकल, मैं बताती हूँ। पापा, 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 मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? तूने उस लड़के को जहाँ दफनाया उस जगह पर। तेरा खेल खत्म हो गया जॉर्ज, अब तेरा परिवार जिंदगी भर जेल काटेगा। अब कोई भी तुम लोगों को नहीं बचा पाएगा। गाड़ी में डालो इन लोगों को। हटो हटो हटो, आइए पिताजी। हमें अंदर जाने दीजिए, जिस जॉर्ज को पकड़ा है वो मेरा दामाद है। कुछ भी हो, हम लोग किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? पहले उसका कसूर क्या, ये बताओ। बात ये है कि सहदेव की जॉर्ज से पटती नहीं थी, इसलिए वो चाल चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है सर? बेटी क्या प्रॉब्लम है ये हम भी नहीं जानते। मेरे दामाद और बेटी को पकड़ कर रखा है। पिछले कई दिनों से पुलिस वाले हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं। लेकिन किस लिए? पता नहीं, कोई आजी का बेटा मिसिंग है, इसलिए इंक्वायरी कर रहे हैं। कौन है वो? वो मेरा दामाद है। वो इस पर झूठा केस बना रहे हैं साहब। इस जॉर्ज कुट्टी के परिवार को इस शहर में लोग अच्छी तरह से जानते हैं। झूठा केस बना के उसे पूरी तरह से फंसाया गया है। वो एसआई के पास जो खड़ा है ना कांस्टेबल सहदेव, ये सब उसी का किया धरा है। उसकी उससे बनती नहीं है ना।
कोई बात नहीं। आप लोग सब देख रहे हैं ना, मेरी बेटी को उस पुलिस वाले सहदेव ने बहुत मारा है। हम लोग बेगुनाह हैं। हमें गुनाहगार साबित करने के लिए उस सहदेव ने, जो पुलिस वाला है, उसने हमें बहुत मारा है। हम सबको बहुत पीटा है। इसी पुलिस वाले ने मारा है। हाँ यही है वो, जॉर्ज भाई को मारा है। इसे भाग मारो, इन सबको पकड़ के मारो, सारे पुलिस वालों को मारो। क्या पुलिस ने आपको मारा? अब पुलिस तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, वो सब यहाँ से भाग गए हैं। तुम इन्हें सच बता दो। क्या बच्ची को भी पुलिस ने मारा? आईजी गीता प्रभाकर के बेटे वरुण प्रभाकर के साथ जो घटना हुई उसमें जॉर्ज कुटी और उसका परिवार बेगुनाह साबित हो चुका है और राजा कोट के पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल सहदेव को सस्पेंड किया गया है। इस केस में शामिल एसआई और दूसरे कांस्टेबल को दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया है। आईजी गीता प्रभाकर को छुट्टी पर जाने के लिए डीजी ने आदेश दिया है। पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जॉर्ज कुट्टी से अगर पुलिस को कोई भी पूछताछ करनी हो तो उन्हें पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। जॉर्ज, जॉर्ज ये देखिए, आईजी गीता प्रभाकर ने इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज, चाहे कुछ भी हो, तकलीफ में तो वो भी है। उसने अपना बेटा खोया है, इसमें उसकी क्या गलती थी? वो एक बेटे की माँ है, मैं समझ सकती हूँ। सच में उन्हें भी बहुत बड़ा धोखा हुआ ना। तुम इस समय ऐसा इसलिए सोच रही हो क्योंकि तुम्हारा मन मजबूर कर रहा है। हालांकि तुम छुपाना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने हमारी बेटी के साथ जैसी हरकत की, उस हालत में कोई भी माँ अपनी बेटी की रक्षा जरूर करेगी, करनी ही चाहिए। लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। वैसे एक बात जान लो कि इंसान स्वार्थी होता है, हमें जो चाहिए उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, और हमारी चाहत सही हो तो वह हासिल हो भी सकता है। इसलिए इस समय इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाने में ही भलाई है। अच्छा जॉर्ज, डेड बॉडी को कब बदला आपने? उस कार को छोड़ने के बाद उस दिन रात में बदला। कहाँ और कब? उस राज को इस धरती पर कोई भी नहीं जान सकता, और ये राज मुझ में ही खत्म हो जाने दो। इसी में तुम लोगों की सुरक्षा है। अनु बेटी पुलिस को कुछ नहीं बताएगी, आपको उस पर इतना विश्वास कैसे था? सच बताओ तो मुझे इस मामले में पूरी तरह भरोसा नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम तीनों ही मेरा साथ दोगी, मैंने ये भी नहीं सोचा था। अनु बहुत छोटी है, वो डर गई होगी बेचारी। मेरी वजह से ही ये सब हुआ है ना। ये आप क्या कह रहे हैं जॉर्ज, आपने हमारी रक्षा के लिए किया? पापा, क्या हुआ बेटे? पापा, फिर से पुलिस आ रही है। सुनिए,
आप फिर आ गए, फिर से उन लोगों को मारने का इरादा है क्या? आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोग यहाँ जॉर्ज से मिलने आए हैं। कोर्ट ने बेगुनाह साबित किया है ना? क्या हुआ सर? जॉर्ज भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाओ, मैं कपड़े बदल कर। हाँ अधिकार का गर्व और अहंकार छोड़कर ये एक मां बनकर आपसे सवाल कर रही है, ये गीता है। हमें बच्चा नहीं होगा ये सोचकर जिंदगी जीने वाले हम एक बच्चा होने के बाद उसे बहुत प्यार से पालने लग गए थे, उसे वापस मांग रहे हैं हम। हमने अपने दिल से सोचा तो हमें एक बात अच्छी तरह समझ में आई, हमारे बेटे को कुछ हुआ है तो उसका कारण शायद हम लोग ही हैं। शायद उसे सही रास्ते पर नहीं ले गए और माँ बाप होने की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। अपने दिल से सोचने के बाद हम लोगों ने आपसे मिलना चाहा, और हाँ, जाने अनजाने में आपके परिवार को हम लोगों ने बहुत परेशान किया, माफ कर दो, दिल से माफी मांग रहे हैं। सच क्या है ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये अमेरिका जाने वाली है। वरुण की याद हमें आज भी आती है, ऐसा लगता है कि वो अभी कॉल करेगा। उसकी वो फोन पे आवाज, उसे सुनने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। उसकी आवाज अभी भी हमारे कानों में गूंज रही है। हमें बता दो, ये जानने के बाद हम यहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्या हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा? समझ गए, अब आपको विश्वास नहीं रहा और वो विश्वास हम ही ने खोया, लेकिन हाँ, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर देना। चलो आप वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है जो मेरे पास नहीं है। मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूं, मेरी पत्नी, बच्चियां, एक छोटी सी दुनिया है मेरी, यही मेरा परिवार है। इसके बाहर कोई सपना देखने की मैं हिम्मत भी नहीं करता हूं। हमारी खुशियों पर नजर लगाने के लिए एक मेहमान आया था, हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए आया था वो मेहमान। हमने रो रो कर बिलक बिलक कर उससे विनती की, लेकिन उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वो दोबारा हमारे घर में न आए, इसलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया, हमने उसे उस दिन मिटा दिया। मेरे दिल को अच्छी तरह एहसास है कि मैंने आप लोगों के सपने को तोड़ा है, और इस समय हम बस इतना ही चाहते हैं कि हम आपसे माफी मांगें। हमारे मन में समय जो भी आया वो हमने किया, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं भी किसी बच्चे का पिता हूं, और वो बच्चा फिर से हमारे परिवार में पैदा हो, यही प्रार्थना करता हूं। ये सुनो, तुम्हें साहब बुला रहे हैं। हाँ।
सर मैं क्वार्टर में बैग रख कर आता हूँ। ओके ठीक है। सर यह है जॉर्ज कुट्टी। पता है पता है, टीवी पेपर में आजकल यही छाए हुए हैं। साइन करो इस पे। चलो साइन करो। पुलिस वालों को भी तुमने खूब घुमाया है। इस बात का अहंकार तुम्हारे अंदर है मुझे पता है। बॉडी मिलने तक ही रहेगा यह अहंकार। देख लूंगा। साइन करो और जाओ। नहीं सर, मैं एक बात बताता हूँ, पुलिस को कभी भी मैं अपना दुश्मन नहीं समझता। मेरी ये सोच है कि पुलिस लोगों की सुरक्षा करने के लिए होती है, इसीलिए सारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में हैं और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं यही मानता हूँ। काम शुरू होगा।